स्टडी आईक्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल दोस्तों आज दिवाली सेल का आखिरी दिन है साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब स्टडी आई आपको यूपीएससी कोर्स सबसे कम दाम पर प्रोवाइड करता है तो आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है अगर आप इस कोर्स को अनरोल करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज द कोड अंकित लाइव ताकि सिर्फ 17,500 में ये जो पूरा फाइव बैच है जिसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाती है वो आप अवेल कर सकते हैं इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं नोट्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है प्रिलियंट सीरीज हो गया और साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी खरीदना है जैसे हिस्ट्री पी सोशियोलॉजी आई जोग्राफी ये सब भी लाइव ही पढ़ाया जाता है तो यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अवेल दिस ऑफर्स विजिट आवर वेबसाइट एंड ऐप और वहां पर यूज द कोड अंकित लाइव ताकि बहुत कम दाम पर आज आप इस कोर्स को ले पाएं थैंक यू नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई एम श्योर कि आज के क्लास के लिए काफी एक्साइटेड होंगे सभी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन तो कैसा रहा अभी तक आप लोगों का क्लास लेट नो मज़ा आ रहा है पढ़कर बिकॉज रिमेंबर यूपीएससी की जो जर्नी है उसमें जो पूरा कोर्स आप पढ़ोगे चाहे इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री कुछ भी आपको एंजॉय करना है वो सारी चीज़ें एंड बिलीव मी एज यू नो कि यूट्यूब पर तो क्लासेस आते रहते हैं बड़ा मुश्किल से आज मैं भी सुबह उठ कर आया चलो क्लासेस करना है आपको पढ़ाना है तो अदरवाइज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन फ्रैंकली स्पीकिंग बट ठीक है क्लासेस करना था आप सबको पढ़ाना था सो आई एम हियर एंड आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो भी मेरी नॉलेज है जो भी मैं पढ़ा हूँ आज तक इकोनॉमिक्स के बारे में जाना हूँ आपका एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए ये मेरा मेन मकसद होगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन यस आई एम गुड आई एम गुड ठीक है तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पर आ चुके हैं आज बहुत ही थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश करेंगे बेसिकली आज की क्लास में जो मेरा मेन मकसद होने वाला है इट इज़ बेसिकली कि हम चीज़ों को समझें कहने का मतलब यह है कि आप में से ज्यादातर लोग आई एम sure, श्योर क्योंकि जब भी, जब मैं भी भी मैं प्रिपरेशन किया करता था कई साल पहले तो उस समय मैं देखा करता था कि बहुत से लोग साइंस बैकग्राउंड से आई टी बैकग्राउंड से हैं राइट एंड आप में से बहुत से बहुत लोग होंगे राइट right? तो आप में से कई लोगों को इकोनॉमिक्स में शायद उतना इंटरेस्ट नहीं होगा शायद पता नहीं होगा क्योंकि आपने पहले अपने ग्रेजुएशन में उसको नहीं पढ़ा होगा ना तो ध्यान दिया होगा राइट right? तो इसी की वजह से क्या होता है ज्यादातर लोग इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा पीछे भागने की कोशिश करते हैं बट इन दिस क्लास मेरी क्लास में मैं इकोनॉमिक्स को एकदम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए इकोनॉमिक्स का राइट right. तो इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले देखो यहां पर कुछ लोग बुक्स वगैरह कई सारे डाउट्स हैं वो सब कुछ मैं बाद में लेने वाला हूं थोड़ा सा अब हम क्लास की तरफ जाएंगे जितने भी डाउट्स हैं कीप इट विथ यू मैं बाद में इसको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा डोंट वरी अबाउट इट ओके सो लेट स्टार्ट एंड जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली अगर मैं इकोनॉमिक्स के थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊं क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं याद करिए भारत के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स कहां से इसकी शुरुआत होती है कैन यू टेल मी कैन एनी वन टेल मी एक्चुअली कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत बेसिकली कहाँ से होती है कौन सा एक की है जो आपने सुना होगा कभी भारत के इतिहास से ये रिलेटेड है इनफैक्ट एंशियंट इंडिया से रिलेटेड है क्या बता सकते हैं यस समन इज से अर्थशास्त्र राइट कौटिल्या चाणक्य हम सब जानते हैं एक बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र ऑल दो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत बट इकोनॉमिक्स का जो हिंदी अनुवाद होता है जो जो हम ट्रांसलेशन करते हैं उसका मतलब ही होता है इकोनॉमिक्स राइट अर्थशास्त्र का मतलब ही हो गया इकोनॉमिक्स तो वहाँ से कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं उसके बाद धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है जो पूरा आपका मिडिवियल पीरियड है उसमें कुछ लोग आते हैं इसको बताने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स है क्या किस तरह से सोसाइटी गवर्न होनी चाहिए वो सारी चीजें चलती रहती हैं बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें आज का जो इकोनॉमिक्स है आज जो आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स जो चीज़ें आप सीखते हैं इकोनॉमिक्स तो वो कहां से शुरुआत होता है वो हम थोड़ा देखेंगे मैं बहुत ज्यादा पीछे का भी डिटेल में नहीं जाऊंगा ना तो अभी का मैं डिटेल में जाऊंगा बिकॉज आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हो ये आप अपने जीएस की तैयारी कर रहे हैं याद रखिएगा ठीक है तो बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है हम यहां पर बेसिकली थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो उसकी शुरुआत किसने की थी वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिकली ये कंसीडर किया जाता है एडम स्मिथ क्यों 1776 वो अगर पूरा कार्यकाल अगर आप ध्यान रखिए जो uh, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी पूरा कार्यकाल क्या चल रहा था ट्रेड करने की कोशिश हो रही थी कॉलोनियलिज्म भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह की चीजें आ रही थी राइट तो वहां पर बेसिकली क्या था कि मर्केंटलिज्म को लेकर काफी अपोज हो रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह जो हम ट्रेड करते हैं कई सारी चीजें करते हैं तो उसके विरोध में यहां पर जो एडम स्मिथ हैं हु इज स्कॉटिश फिलोसोफर स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे स्कॉटिश फिलोसोफर एडम स्मिथ उन्होंने एक बुक लिख दी और ये इट्स अ रिमार्केबल बुक इट्स अ रिमार्केबल बुक क्या बुक का नाम था सबको पता होगा अगर आपने पढ़ा हो ट्वेल्थ के हिस्ट्री इकोनॉमिक्स uh, में इलेवेंथ के इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस Wealth of Nations, उन्होंने बुक लिख दी और एक प्रकार से माना जाता है कि वहीं से आज का जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहीं से की एक प्रकार से शुरुआत हो जाती है अब कई लोग इसको डिबेट कर सकते हैं बहुत इसको लेकर डिबेट चला कि क्या इनको बोलना चाहिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं बोलना चाहिए खैर जो भी है हमारे लिए बस ये चीज इंपॉर्टेंट था जानना कि ही इज कंसिडर्ड एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स

उनका कहना था कि जो फ्री मार्केट होता है सब कुछ इकोनॉमी के अंदर अपने आप चलती है सब कुछ इकोनॉमी के अंदर अपने आप बैलेंस हो जाती है आपको एक्सटर्नली कुछ करने की जरूरत नहीं है यह एडम स्मिथ का व्यू था मैं अभी आप आपको बताऊंगा इनके व्यू के ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसी से आप आगे चलकर समझ पाओगे कि, कि किस तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें डिविजन कैसे हुआ जब एडम स्मिथ का टाइम था तब इकोनॉमिक्स के अंदर हम माइक्रो और मैक्रो में नहीं डिवाइड करते थे ये बेसिकली आगे चलकर स्टार्ट होगा जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आएगा तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो एडम स्मिथ थे उन्होंने फ्री मार्केट के ऊपर फोकस किया कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया यहां पर उनका कहना था स्मिथ शोड दैट इंडिविजुअल्स एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट कुड एज इफ गाइडेड बाय एन इनविजिबल हैंड क्रिएट सोशल एंड एन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल मतलब हर एक इंडिविजुअल जब अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है इकोनॉमी के अंदर सोसाइटी के अंदर तो ओवरऑल अपने आप जो सोसाइटी है इकोनॉमी है वो वर्क करने लगती है एक इनविजिबल हैंड होता है जिसकी वजह से अपने आप चीजें जो हैं वो गवर्न होने लग जाती हैं राइट right. तो ये एडम स्मिथ का व्यू था अब मैं आपको बताता हूं कि इनका व्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है देखो किसी भी सोसाइटी के अंदर कहीं पर भी आप कहीं पर भी हो चीजें सही चला करती हैं तब तक तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता है

और यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई कि इकॉनमी तो कोलैप्स कर रही है इकॉनमी फेल हो रही है दुनिया के अंदर रिसेशन आ रहा है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ट्वेंटी सेंचुरी से वहीं से कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो उसको सुधारने की कोशिश करेगा यही हो तो होता है दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके बाद कोई सोल्यूशन लाने की कोशिश करता है तो यहां पर आप याद कीजिएगा 1929 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है पूरे इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से 1929, यहां से होती है वो धीरे धीरे फेल होने लगते हैं लोग बैंकों की तरफ पैसा लेने के लिए भागते हैं उनको लगता है कि बैंक डूब जाएंगे उनका पैसा डूब जाएगा इन्फ्लेशन एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है तो ये जो प्रॉब्लम हो रही थी यहां पर अब क्या महसूस हुआ कि एक्सटर्नल फोर्सेस जरूरी हैं गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा एडम स्मिथ का अभी तक क्या व्यू चलता रहा था नहीं सब कुछ छोड़ दो कुछ भी इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है राइट right. तो यहां पर अब 1929 से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और 1929 के पहले अगर आप देखोगे तो एक इकोनॉमिस्ट थे आई डोंट नो आप से कितने लोगों को पता है इनका नाम है जे एम केन्स जॉन मैन केन्स ही इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अगेन एडम स्मिथ के बाद वैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं यहां पर हम बेसिकली यहां पर एक ओवरऑल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की शुरुआत राइट तो यहां पर नाइनटीन के पहले एक इकोनॉमिस्ट एक थे जॉन मेन केन्स ठीक है वो चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहे थे पूरे दुनिया को कि जो एडम स्मिथ का कहना था और ये जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे जिनका कहना था कि सबको छोड़ दो इकोनॉमी के ऊपर ये गलत है ये बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं ये जो पहले कहना था और उन्होंने इन सारे इकोनॉमिस्ट को ये जो एडम स्मिथ हो गए और भी कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हो गए उनको कह दिया दे दिया आर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ठीक है उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का दर्जा दे दिया

जो ग्रेट डिप्रेशन है वो उसी समय आया था एक बार एंड दैट इज इन दी नाइनटीन ठीक है तो यहां पर जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया तब लोगों ने रियलाइज किया इस चीज को कि हाँ जॉन मेनियार्ड केन्स का जो कहना था वो काफी हद तक सही था क्योंकि देखो सोसाइटी में कहीं पर भी ऑफिस में हो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो आप इवन जब आई ऑफिसर बन जाएंगे और बनने के बाद जब आप कोई काम करेंगे और जब आप उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे लेकिन लोग कंफर्टेबल पोजीशन पर आ जाते हैं कोई आपकी सुनेगा नहीं उस समय ठीक है आप भले कहोगे ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है लेकिन जब तक ये सही चल रही हैं तब तक लोगों को लगेगा नहीं ये तो बेवकूफ़ है ये क्यों बता रहा है हमें प्रॉब्लम है ऐसा नहीं जॉन मेनार्ड केन्स का भी यही कहना था कि जो एडम स्मिथ और ये बाकी के लोग हैं इनका जो व्यू है वो सही नहीं है हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है लेकिन फाइनली जॉन केन्स की तब सुना गया जब 1929 के बाद ग्रेट रिसेशन आने लग गया अब यहां पर इसीलिए जॉन केन्स अगर आप देखो ही डेवलप्ड अ न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज इकोनॉमिक्स या फिर हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं तो मैंने आपको बोला ना एडम्स में जब आए थे तब माइक्रो और मैक्रो में इकोनॉमिक्स नहीं बटा हुआ था लेकिन जॉन केन्स की वजह से जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड हो गया एंड दैट इज वाई जॉन द फादर ऑफ मैक्रो इकोम गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि जॉन मेन स्टाइलॉमिस्ट हुल इकोनॉमिक मैं आपको बताया ना उन्होंने पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे जो अलग व्यूज था उनका उनको कह दिया दे आर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जॉन मेन

वहां पर जो है जो हम डिटेल से चर्चा करेंगे तो वो मैं आपको माइक्रो और माइक्रो का डिफरेंस बताऊंगा लेकिन जॉन केन्स का अगेन यहां पर यही चीज कहना था कि डिड नॉट operation डिस्क्राइब the ऑफ द a होल मतलब पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे वो पूरे इकोनॉमी को एज अ होल लेकर नहीं चलते थे उनका जो व्यू था वो इंडिविजुअलिस्टिक था एंड दैट इज वाई यहां से भी एक मेजर चेंज आता है इकोनॉमिक्स के अंदर सो आई आई होप कि आपको यहां से कुछ इंटरेस्ट जगह होगा इकोनॉमिक्स के अंदर लेट मी नो आई होप कि आप इस चीज को आप इंजॉय कर पा रहे होंगे कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी शुरुआत कैसे होती है किस तरह से चीजें जो है वो गवर्न होती हैं राइट यस Yes, I can see there are many people who are saying yes, they are getting interest in economics and मेरा यही मकसद है कि जिन लोगों को interest भी नहीं है नहीं समझ में आता don't worry, economics is a such a beautiful subject, logical subject है रटना नहीं है यहाँ पर right and that is why I love economics. जब भी कुछ आता है GDP डी से लेकर कुछ भी I I make sure कि वो आपको YouTube पर definitely मिले right. इट्स ओके okay. कई लोग कह रहे हैं कि आज तक अभी समझा नहीं था इकोनॉमिक्स डोंट वरी यहाँ पर हम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तो ये ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जॉन केन्स क्या कह रहे थे ये वो वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे थे इन्फ्लेशन क्योंकि यही हुआ था ना नाइनटीन के बाद क्या हुआ था इन्फ्लेशन बहुत तेजी से जा रहा था अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से जा रहा था ये सारी चीजें चल रही थी मोर ओवर केन्स सेज दैट द गवर्नमेंट कैन बी इन्फ्लुएंशियल प्लेयर एडम स्मिथ और पहले के जो लोग थे वो लेज

उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हाँ इस बार का जो नोबल प्राइज मिला है रिमेंबर नोबल प्राइज आई डोंट आप में से कितने लोगों ने देखा है उस वीडियो को, banking, yes. Yes. तो इस बार का जो नोबल प्राइज है बेसिकली वो बैंकिंग के रोल को बताया गया किस तरीके से बैंक का रोल इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड मतलब इकोनॉमी को चलाने में बैंक इन, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इस बार का जो नोबेल प्राइज है तीन इकोनॉमिस्ट को गया है जिसमें से एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन रह चुके हैं जैसे हमारे देश के अंदर आरबीआई होता है उसके गवर्नर कौन है शक्तिकांता दास वैसे ही अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है यस बनानकी तो बनानकी को दिया गया है ही वॉज दर चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व तो बेसिकली यहां पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि उनको क्यों दिया गया कि बैंक का रोल इंपॉर्टेंट होता है बैंक इकॉनमी को रिसेशन में जाने से बचा सकते हैं पहले ऐसा सोचा जाता था कि जो ग्रेट डिप्रेशन है जो अभी मैंने बात किया पहले ऐसा माना जाता था कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ क्योंकि बैंक फेल हो गए इसलिए ग्रेट डिप्रेशन हुआ लेकिन जो बर्ननकी हैं उन्होंने यहां पर ये बताया कि ग्रेट डिप्रेशन इसकी वजह से हुआ ज बैंक फेल हो गए रिसेशन चल रहा था मैंने आपको बताया नाइनटीन ट्वेंटी नाइन से शुरुआत हो गई थी रिसेशन की और उसके बाद लोग अपना पैसा बैंकों में लेने के लिए भागे और जब सभी लोग बैंक में पैसा लेने के लिए भागते हैं उसको हम क्या कहते हैं बैंक रन राइट right, बैंक कंगाल होने के कगार पर है अचानक से वो सबको पैसा नहीं दे सकता तो ये ये बैंक वहां से फेल जो स्टार्ट हुआ उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया मतलब कि बैंक के फेल होने से ग्रेट डिप्रेशन डायरेक्टली नहीं आया क्योंकि रिसेशन की शुरुआत हो गई थी सरकार ने बैंक को सेव नहीं किया इसकी वजह से यहां पर ग्रेट डिप्रेशन आया अगर सरकार बैंक को सेव कर लेती तो ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज शायद उस समय नहीं आती रिसेशन कई लोग पूछ रहे हैं रिसेशन डिप्रेशन ये सब कुछ आप एक यूट्यूब पे भी वीडियो देख लेना वैसे इस कोर्स के अंदर भी आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो रिसेशन अगर मैं सिंपली तौर पर बताऊं आपको तो जो टेक्निकल डेफिनेशन होता है वैसे आप ध्यान रखना रिसेशन का कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है नॉर्मली हम कहते हैं कि जब इकोनॉमी लगातार जो जीडीपी ग्रोथ है वो गिर रही होती है जैसे कि याद कीजिएगा जो कोविड का समय आया था उस समय क्या हुआ था लगातार दो क्वार्टर में भारत की जीडीपी नेगेटिव में चली गई थी तो ऐसा कहा जाता है टेक्निकल डेफिनेशन कि दो क्वार्टर में लगातार अगर जीडीपी नेगेटिव में है तो उसको रिसेशन कहेंगे और वो लगातार तो तो दो तीन चीजें मैंने डिफरेंस बताई सर्च कर लेना यूट्यूब में आमश्योर की वो मिल जाएगा बट आई होप कि यहां तक आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी राइट चलो तो अब मैं यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा जैसा कि आपको पता है शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं पूरा इकोनॉमिक्स डेफिनेटली बात है नहीं ले पाऊंगा अगेन यूट्यूब पर काफी इंपैक्ट आएगा इसकी वजह से तो यू, यूट्यूब पर मुझे करना है लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपको देख सकते हो कि जो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है जो शुरुआती कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ जैसे कि आज का जो क्लास है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स जो बेसिक चीज़ें हैं कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे जानने की कोशिश करेंगे उसके बाद कल जो है हम नेशनल इनकम की बात करेंगे मैं कोशिश करूंगा नेशनल इनकम कली वाले क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूँ यहाँ पर ठीक है उसके बाद हम मनी पर आएंगे ठीक है मनी मनी सप्लाई से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं मनी मल्टीप्लायर वगैरह सबकी बात करेंगे एंड देन उसके बाद इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं प्रिलिम्स हो गया या फिर मेंस uh, हो गया राइट एंड देन उसके बाद बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अक्सर आप देखते हो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राइट एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग ये ये आई थिंक यहां से जो शुरुआत है ये प्रतीक सर जो है अपनी क्लास लेना स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि जितना भी ये सारी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट करा सकूं ठीक है तो आई होप कि यहाँ से जो पहला क्लास है दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स वो हम इसकी शुरुआत करते हैं बट आई होप कि जो इकोनॉमिक्स में एज ए इंटरेस्ट आपका यहाँ से डेवलप स्टार्ट हो गया होगा आपको समझ में आने लग गया होगा राइट तो चलो यहां पर जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं थोड़ा सा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था इकोनॉमिक्स uh, के बारे में बताया लेकिन इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे उसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए वो इकोनॉमिक्स होता क्या है पॉलिटी होता क्या है हिस्ट्री होता क्या है हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो अगर हम इकोनॉमिक्स भी अगर आप देखो तो यहाँ पर अगेन ये जो शब्द है इकोनॉमिक्स इट हैज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओक्यो ओइकोनॉमिक्स ओइकोनॉमिक्स यहाँ से इसका ड्राइव होता है ग्रीक वर्ड है एंड इसको अगर आप डिवाइड करो ओइकोज मीन्स क्या होता है इट इज हाउस होल्ड ठीक है नोमोज मीनस होता है एम श्योर sure कि यह सब कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा बट जस्ट फॉर द सेक कि हाँ हमें यहां पर चीजें पता होनी चाहिए या आप ध्यान रखना कस्टम लॉ मतलब कि घर को कैसे चलाया जाए ये छोटे लेवल पर हो गया राइट right? उसी तरह से देश को कैसे चलाया जाए आप कह सकते हैं राइट right? इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं ठीक है अब एक और चीज याद रखना आई थिंक कि बहुत से लोगों को यहां पर प्रॉब्लम होती है एंड दैट इज वन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जब मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स ठीक है तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो गया राइट और जब हम बात करते हैं इकोनॉमी एन ओ एम वाई क्या होता है ये वॉट इज इकोनॉमी इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट हो गया बट वॉट इज इकोनॉमी इकोनॉमी इज नथिंग बट एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी चीजें चल रही होती हैं उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इकोनॉमी जो शब्द है ना क्योंकि देखो जैसे मैथ्स में क्या होता है मैथ्स आप जब पढ़ रहे हो तो उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं मैथ्स का अपना खुद का एक लैंग्वेज होता है वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखोगे इसका भी खुद का एक अपना थोड़ा अलग लैंग्वेज है ठीक है जनरल भाषा में हम कहते हैं इंडिया एज अ कंट्री जनरल भाषा में कहते हैं ना यूएस एक देश है कंट्री है राइट right? लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो उसको कंट्री कहने के बजाय हम इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से जो चीज कंट्री होता है उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं ठीक है तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारा देश इंडियन इकोनॉमी रिमेंबर इंडियन इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था तो इकॉनमी जो है बेसिकली अगेन मैं यही कहूंगा यहाँ पर ये जो शब्द है इकोनॉमी ये इट्स अ जोग्राफिकल बाउंड्री जिसके अंदर सारी चीजें टेक प्लेस होती हैं ठीक है सो रिमेंबर दिस इकोनॉमी यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट है एक आप आप एक्सचेंज कर सकते हो कंट्री के बजाय हम इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट को कहा जाता है ठीक है तो so ये तो चलो हमें समझ में आ गया यहाँ पर नाउ इकोनॉमिक्स आया कहां से आई होप कि आप समझ गए अगेन लेकिन इकोनॉमिक्स होता क्या है यह बहुत जरूरी है हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों चाहिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैन टेल मी कि इकोनॉमिक्स सभी को क्यों पढ़ना चाहिए कैन एनी वन टेल मी कैन एनी वन टेल मी कि इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए वाई यस आई थिंक एक जो कॉमन चीज सभी लोग कह रहे हैं एक जो कॉमन चीज सभी लोग कह रहे हैं कि स्केर्यसिटी होने की वजह से हमें चीजों को मैनेज करना होता है देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्स से हम कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं वो सारी चीजें हम कैसे करते हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है लेकिन अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए एज अ जनरल पब्लिक घर में आप घर में आपके पिताजी हैं कहीं पर कोई भी एक कॉमन इंसान को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए कैन एन यू मी Ah, uh, हाँ किसी ने तो कहा कि ये हमारे डेली लाइफ में मदद करता है यस दैट्स द आंसर आई आई वॉज वेटिंग फॉर कि ये हमारे डेली लाइफ में मदद करता है आप सोच के देखो ना सरकार कोई पॉलिसी लेकर आई है बजट लेकर आई है कितनी सारी चीज़ें लेकर आई है राइट राइट आई थिंक बहुत से लोग अब आ, आ रहे हैं दैट हाउस होल्ड्स ऑफ आर डेली लाइफ मतलब हमें किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है हमारे डेली जीवन में जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत हद तक मदद कर सकता है देखो जब हम कहते हैं ना कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम होगा ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा क्या लोग उसी प्राइस पर खरीदना खरीदना चाहेंगे नहीं खरीदना चाहेंगे तो वहां पर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम होता है ये क्या इकोनॉमिक्स है इसी तरह से आप सोचो इकोनॉमी के अंदर कितनी सारी चीजें चलती हैं बहुत सारी चीजें होती रहती हैं एंड दैट इज वाई एवरी वन ऑफ यू एज अ स्टूडेंट एज अ मदर एज अ फादर एज अ सिस्टर हर किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में मदद करेगा डेफिनेटली राइट right? तो इकोनॉमिक्स क्या होता है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको यहां पर मैंने डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केयर ध्यान रखिएगा कि देश के अंदर विश्व के अंदर स्केयर्स हैं जितनी भी चीजें हैं स्केयर्स हैं अगर चीजें स्केयर्स नहीं होती स्केयर्स का मतलब क्या है लिमिटेड मात्रा में है आप ऐसा नहीं है कि जितना चाहो उतना इसका इस्तेमाल कर सकते हो राइट अगर ऐसा नहीं होता सोचो अगर चीजें स्केरस नहीं होती रिसोर्सेज स्कैर्स नहीं होती उस केस में क्या होता क्या आपने सोचा है क्या हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते नहीं पढ़े होते जिसको जो चाहिए लो ना जितना खाने को चाहिए लेते जाओ जो भी करना है करते जाओ क्योंकि चीजें स्केयरस हैं, रिसोर्सेज स्केयर हैं, इसी की वजह से तो हमें यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है कि उसको मैनेज कैसे करना है एंड इज वाई स्टडी ऑफ स्कर्सिटी एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर यूज ऑफ रिसोर्सेज राइट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का यही इकोनॉमिक्स है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लिमिटेड जो पॉपुलेशन जिसके पास बहुत सारा पैसा है सारा रिसोर्सेज उसी के पास चला जाए तो इसीलिए तो सरकार होती है कि सब कुछ उधर ना चला जाए हर एक के पास कुछ ना कुछ आए ये हमें कोशिश होती है तो ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है अ ग्रेट वैरायटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ वाइटल कंसर्न बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर जिसको सॉल्व करने की कोशिश करता है इकोनॉमिक्स एंड दैट इज वाई इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कोई एग्जाम में आप यूपीएससी के एग्जाम ले रहे हो आपसे डायरेक्टली कोई ये पूछेगा नहीं बट एज अ पर्सन एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली अगर आपसे पूछो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है अगर आपसे कोई सिंपल सा डेफिनेशन पूछ दे कैसे बता पाओगे तो रिमेंबर इट इज द स्टडी ऑफ कैसिटी एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज ठीक है कैसे प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का उस लिमिटेड रिसोर्स में उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों आज दिवाली सेल का आखिरी दिन है साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब स्टडी आई आपको यूपीएससी कोर्स सबसे कम दाम पर प्रोवाइड करता है तो आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है अगर आप इस कोर्स को अनरोल करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज द कोड अंकित लाइव ताकि सिर्फ 17,500 में ये जो पूरा फाइव बैच है जिसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाती है वो आप अवेल कर सकते हैं इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं नोट्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है प्रिलियंट सीरीज हो गया और साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी खरीदना है जैसे हिस्ट्री पी सोशियोलॉजी आई जोग्राफी ये भी लाइव ही पढ़ाया जाता है तो यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अवेल विजिट आवर वेबसाइट एंड ऐप और वहां पर यूज द कोड अंकित लाइव ताकि बहुत कम दाम पर आज आप इस कोर्स को ले पाए थैंक यू ठीक है तो ध्यान रखना चीज अब अगर हम बात करें धीरे धीरे मैं आप यहां पर आऊंगा और बहुत ही लाइट कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है ध्यान रखना अभी कुछ भी नहीं करना है बस सुनते जाओ अपना इंटरेस्ट डेवलप करो जब एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा ना इकोनॉमिक्स के लॉजिक्स को आप समझ जाओगे ना कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम में रिमेंबर यहां पर रटा रटाया कुछ भी आप नहीं कर पाओगे अगर आप सोचोगे कि रट रटा रटाया अगर आप दे पाओ एग्जाम में जाकर कुछ ये रट लो और दे पाओगे कभी क्लियर नहीं होने वाला रिमेंबर यहां पर चीज़ों को समझना है तो जस्ट समझो रिलैक्स करो जहां पर इंपॉर्टेंट होगा जहां पर चीज़ें जरूरी होंगी कि आप नोट करो ऐसा कुछ है वो मैं आप ख़ुद ही बता दूंगा आपको ठीक है डोंट वरी अबाउट दैट चलो सो सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेल्थ कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर मतलब कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या सारी चीजें आती हैं तो यहां पर बेसिकली ये कह रहा है कि ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेल्थ कहने का मतलब कि एक इंसान जहां जहां पर देखो इंसान तो बहुत सारी चीजें करता है लेकिन वो चीजें जो कि वेल्थ से रिलेटेड हैं वो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं ठीक है वो चीजें अब मैं यहां पर बैठकर सोच रहा हूं ठीक है मैं बैठकर सोच रहा हूं तो क्या इकोनॉमिक्स रिलेटेड होगा नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेल्थ हाँ अगर मैं कहीं पर जाकर काम कर रहा हूं उससे मुझे कुछ इनकम हो रही है तो दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स मैं सिंपली बाहर जाकर गड्ढा खोद रहा हूं तो क्या ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है नहीं है आप जो चाहो करो लेकिन अगर उसमें वेल्थ इंक्लूडेड है अगर गड्ढा खोदने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं तब वो इकोनॉमिक्स हो जाएगा आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉट रिलेटेड टू वेल्थ दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है स्पेशली भारत जैसे देश के लिए ठीक है कई सारे जो हिंदी वर्ड्स वगैरह वो मैं बताता जाऊँगा आपको थोड़े बहुत वैसे मैं ज़्यादातर हिंदी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आई डोंट थिंक ही इट्स एन इशू ठीक है

मॉनिट्री ट्रांस में उनको डायरेक्टली कोई रिवार्ड नहीं मिलता है अगर वही वो कहीं और काम कर रही होती घर में हम हम कोई uh, किसी को कुक रख रहे होते घर के अंदर तो उनको हम पैसे पेमेंट करते तो वही खाना जो हमें पेमेंट करके मिलता वो हमें ऐसे ही मिल जा रहा है तो उस केस में क्या होता है प्रॉब्लम हो जाता है कि जो जो घर पर सिंपली काम कर रही होती हैं ठीक है थीके? अगर हमारी माँ बच्चे को पढ़ा रही है कि कोई माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो बच्चे से फीस थोड़ी लेगी राइट right? तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है और इसीलिए क्या होता है भारत में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि जी में इंक्लूड नहीं हो पाती ठीक है तो ये एक अलग प्रॉब्लम है जो कि एक आई थिंक धीरे धीरे जैसे सोसाइटी डेवलप करती जा रही है यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनकी तो वो इंक्लूड होता जाएगा बट इट विल टेक टाइम राइट तो यहाँ पर यही चीज़ है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी वेल्थ से रिलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं वो सारी चीजें जो है आपका इंक्लूड की जाती हैं इकोनॉमिक्स इज विद एक्टिविटीज लाइक कंजम्पशन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू अमंग द प्रोडक्शन फैक्टर्स ठीक है तो यहां पर हम अलग अलग चीजों की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन लाना चाहता हूं देखो अब क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है जो मैंने अभी आपको बताया इस बार का सवाल इस बार का जो इसी बार था हुआ था ना फिफ्थ uh, जून को आई थिंक यस तो जो इकोनॉमिक्स का पेपर इकोनॉमी का जो सवाल आया था प्रीलिम्स के अंदर उसमें यहां पर आप देखो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर ठीक है अब आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे राइट right. तो यहां पर जो मैंने आपको बताया तो बेसिकली मैं इस सवाल लाकर आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यहां पर कुछ सवाल आते हैं जो कि डिवाइड करता है अगेन ये चीज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमी के अंदर आपको बताना है कि इन चार चीजों में से ये जो क्वेश्चन दिया इन चार चीजों में से रियल सेक्टर कौन सा है अब इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि एक और चीज हम देखते हैं एक कहा जाता है रियल सेक्टर और दूसरा होता है फाइनेंशियल सेक्टर ठीक है रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर तो बेसिकली यहां पर रियल सेक्टर का मतलब यह हुआ जहाँ पर एक्चुअल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है समझ रहा रियल सेक्टर का मतलब यह होता है इकोनॉमिक्स के अंदर पर एक्चुअली कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है यह पेन है यह पेन का प्रोडक्शन हुआ है यह टी शर्ट मैंने पहना हूं इसका प्रोडक्शन हुआ है ठीक है लेकिन अगर वही मान के चलो मैं कहता हूं कि मैं बैंक जाकर लोन ले रहा हूं तो वहां पर कोई चीज का प्रोडक्शन हुआ है क्या कोई फिजिकल चीज का प्रोडक्शन हुआ है नहीं हुआ है तो क्योंकि वो फाइनेंस रिलेटेड है दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल सेक्टर अब सोच के देखो अगर आपको ये छोटी सी चीज पता होती क्या आप ये क्वेश्चन कर पाते कि नहीं कर पाते देखो यहां पर क्वेश्चन क्या आपको बताना इन चार में से रियल सेक्टर में क्या क्या आता है सबसे पहला फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स अब फार्मर्स क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहा है प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का तो वो रियल सेक्टर के अंदर आएगा टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक वो कपड़े प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये रियल है ना राइट right? तो ये दोनों चीजें क्या है यह आपका रियल सेक्टर के अंदर आ जाएंगे थर्ड और फोर्थ देखो क्या है कमर्शियल बैंक लीडिंग लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी

ये पहला दूसरा जो है वो आपका रियल सेक्टर के अंदर आता है और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसलिए इसका आंसर हो जाता है ए वन एंड टू तो ये आपका इस बार के प्रस में आया था ठीक है तो इकोनॉमिक्स को कई तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे यहां पर मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठीक है इसी तरह से सवाल पूछ लिया आप यहां पर तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए राइट यस yes, कुछ लोग कह रहे हैं एलिमिनेशन करके भी कुछ आ जाता है आंसर अगर आप कर सकते हैं एलिमिनेशन करके इस बार का लेकिन पेपर ऐसा आया था कि काफ़ी सारी चीज़ें आप एलिमिनेट करके भी नहीं कर पाते तो वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग कोई भी चीज़ें लाइटली नहीं लेना है कुछ भी आ जाए डोंट वरी आप अपना बेस्ट दो यहां पर बाकी एग्जाम में आपको तैयार रहना है जितना कर सकते हैं वो हम करेंगे

पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी डिवाइड करते हैं ठीक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी हम चीजों को डिवाइड करते हैं राइट right? तो ये क्या होता है वॉट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड वॉट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अगेन ये बहुत ही बेसिक लेवल है बस एक छोटा सा इंसाइट रखो ये होता क्या है एंड इन केस बाय चांस कुछ क्वेश्चन आ गया कुछ भी हो गया तो आप उस चीज को अटेम्प्ट कर पाओ ये यहां पर मेन मकसद है देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी एनालाइज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ठीक है अगर मैं कहता हूं कि आ, देश में देश में हजार में से सौ युवा बेरोजगार हैं अगर देश में हजार लोग नौकरी लेना चाहते हैं कर, काम करना चाहते हैं उसमें से सौ युवा जो है वो बेरोजगार हैं तो ये फैक्ट है राइट right? तो मैं पर क्या बोल रहा हूं? कि ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड तो ये जब मैं फैक्ट के बेसिस पर बात कर रहा हूं तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्लियर और जब मैं चीजों को एनालाइज कर रहा हूं जब मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट शुड मेक सम स्कीम गवर्नमेंट शुड कम विथ सम पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट तो उसको हम काउंट करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी डू नॉट एनालाइज द फैक्ट यहां पर हम फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं नॉर्मेटिव फैक्ट की बात हम करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो फैक्ट है उसके बारे में अगर हमने बात किया दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो हम कंक्लूजन निकालने के हम यहाँ पर हियर द कंक्लूजन एंड रिजल्ट आर बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव मैटर अब कोई हो सकता है जैसे कि मान लो मैंने ये बोला आपसे कि सरकार को एक पॉलिसी लानी चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके अब कोई दूसरा पर्सन हो सकता है वो कह सकता है कि नहीं सरकार को अभी खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि फिजिकल डेफिसिट चल रहा है सरकार का ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा हो रखा है हो सकता है कोई भी कह दे ये बात

ठीक है ये तो फैक्ट की बात हो रही है ना कि जब हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जब हम याद करिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन जब फर्टिलाइजर का एक्सपेंशन हुआ यूज किया जाने लगा तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ये तो फैक्ट है राइट यहां पर मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स इज नॉट गुड फॉर अ लेस डेवलप्ड इकोनॉमी यहां पर ये सब्जेक्टिव मैटर आ गया यहां पर ये कह रहा है ये वाले एग्जांपल में कि लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन एक गरीब देश को शोभा नहीं देता अब हो सकता है कोई दूसरा कह दे कि नहीं करीब देश है तो क्या हुआ हम लग्जरी गुड्स बनाएंगे तो वो जो सब्जेक्टिव चीजें होती हैं वो आपका में आती हैं उसी तरह से ये भी आप एग्जांपल देख सकते हो ये सब भी देख सकते हो जस्ट एक क्लैरिफिकेशन के लिए है ये ठीक है नॉर्मेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस जो है आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा अफ्रीका <laughs> तो गोल्ड तो वो रिसोर्सेज हो गया कि किसी का कहना है कि अफ्रीका गोल्ड प्रोड्यूस करता है तो वो तो रिसोर्सेज है वहाँ पर अब जो जो गोल्ड प्रोड्यूस करता है अफ्रीका में क्या आपको लगता है कि अफ्रीका के लोग उसको यूज़ करते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है राइट right? तो यही चीज हमें समझना है कि यहाँ पर जस्ट एक एग्जाम्पल्स दे रहा था मैं राइट right? ठीक है चलो नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर आते हैं बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में अगेन बहुत ही आज हम लाइट रखेंगे इकोनॉमिक्स को बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है जिन्हें मैं बताया ना कि इकोनॉमिक्स की भी अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है इकोनॉमिक्स uh, की भी अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है सो गुड्स एंड सर्विस की जब हम बात करते हैं तो वो चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके उसी को हम गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं ठीक है कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके ठीक है अगर मुझे प्यास लगी है मैं पानी पीऊंगा तो ये अपने आप में गुड्स हो गया राइट आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आपको कोचिंग की आवश्यकता है तो वो सर्विस हो गया राइट तो वो सारी चीजें जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर ठीक है और नॉर्मली जब मैं कहता हूं कि गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को काउंट कर लेते हैं ठीक है तो ये चीज हमें देखना है अगर हम गुड्स के तो टेंजिबिलिटी गुड्स आर मेटीरियल थिंग्स जैसे कि कार्स क्लोथिंग जो चीज हम देख सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि हम देख सकते हैं कि ये ये इसका अस्तित्व है तो उसको हम यहां पर गुड्स हैं तो गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक है राइट right? और वो हो गया। कहने का मतलब है कि जैसे आप कोई गाड़, गाड़ी है, गाड़ी का प्रोडक्शन हुआ वो कम से कम पांच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल कुछ कुछ पचास साल भी चल जाती हैं तो वो ड्यूरेबिलिटी है राइट अगर मान लो कोई भी ऐसा चीज का प्रोडक्शन हो रहा है जो प्रोडक्शन होते ही खत्म हो जा रहा है तो उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे वो कैसे गुड्स हो सकता है उसका कुछ एक टाइम होना चाहिए ना कि कोई चीज का प्रोडक्शन हुआ एटलीस्ट वो एक घंटा तक तो चलेगा उसको मैं यूज कर पाऊंगा जब मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा ह्यूमन वॉन्ट्स ही को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा तो ये कैसे चीजें हो पाएंगी तो पेरिशेबल पेरिशेबिलिटी यहां पर होनी चाहिए सेपरेबिलिटी गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज सेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सको ठीक है वो गुड्स के अंदर काउंट होता है फ्यूचर कहने का मतलब ये नहीं है कि अब आप सोचो जब मैं फ्यूचर बोल रहा हूं तो दस साल के बाद ही फ्यूचर होता है राइट right. uh, एक घंटे के बाद भी हो सकता है मैं फ्यूचर में यूज करूंगा ठीक है तो यहां पर यह आपका सेपरेट सेपरेटबिलिटी में अंदर आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन द क्वालिटी ऑफ गुड्स कैन बी कंट्रोल थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन अब देखा होगा आपने कपड़े कई प्रकार के बनते हैं गाड़ियां कई प्रकार की बनती हैं कोई लो क्वालिटी होती है कोई हाई क्वालिटी होती है तो स्टैंडर्डाइजेशन यहां पर हो गया इसके बाद है ट्रांसफर गुड्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर ओनर एंड आर ट्रांसफरबल कहने का मतलब यह है कि आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो तो यह सारी चीजें चीजेंटरिस्टिक्स हैं गुड्स की कि गुड्स की एक होती है उसी को हम गुड्स कहते हैं राइट right? अब यहां पर आप देख सकते हो जब हम गुड्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आती हैं राइट right. तो यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स हो गया ड्यूरेबल गुड्स सेमी ड्यूरेबल गुड्स जैसे ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो लंबे समय तक चलता है टीवी, कार जो मैं आपसे कह रहा था बहुत कई वर्षों तक चलता है उसको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं उसी प्रकार से सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया जिसको जो कि क्लोथ्स में आ गया कुछ समय तक चलता है मतलब उतना लंबा नहीं चलेगा लेकिन कुछ समय तक चल जाएगा फिर भी ठीक है उसके बाद एक और होता है दैट इज हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि बहुत कम समय चलता है दूध हो गया ब्रेड हो गया मतलब बहुत कम आपको तुरंत उसको फिनिश करना होता है तो इसको गुड्स को अलग अलग आई एम श्योर कि अल... कई बार आपने बचपन में भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो जब हम गुड्स की बात करते हैं तो एक तो कंज्यूमर गुड्स हो गया जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है सिंपली कंज्यूमर उसको प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहा है राइट

अब देखो अगेन ये भी सब्जेक्टिव हो जाता है काफी हद तक ठीक है कुछ लोग बुक्स के बारे में कह रहे हैं कि सामने बुक्स कौन सा देखना चाहिए देखो वही एक तो मैं कहूंगा जो स्टडी आई क्यू का आया है अपना इकोनॉमी वाला बुक आई थिंक हमने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश की है बनाने की कोशिश की है ताकि अब क्या होता है प्रॉब्लम क्या होता है मैंने अक्सर देखा है बहुत लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कोई भी जो बुक्स होता है वो आप दो तीन बुक्स ले लेते हो और कुछ पार्ट इधर से पढ़ते हो उधर से पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स वाला जो बुक स्टडी आई ने बनाया है पब्लिश किया है उसमें हमने सारी चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है यस yes. चलो तो ये गुड्स हो गया आपका ठीक है इसी प्रकार से जब हम और गुड्स की बात करते हैं तो यहां पर एक और आता है इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम कहते हैं फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स ठीक है फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक बहुत सिंपल है फ्री गुड्स का मतलब ये हुआ जिसके लिए आपको पैसा पे नहीं करना है एयर अभी आप सांस ले रहे हो पैसा पे कर रहे हो उसके लिए नहीं कर रहे हो सनलाइट सन की सूरज की रोशनी आ रही है कुछ पैसा पे कर रहे हो उसके लिए नहीं कर रहे हो

ऑपरचुनिटी कॉस्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के अंदर वॉट इज ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन एनी वन टेल वॉट इज इकोनॉमिक ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुश्किल है काफी बट कैन एनी वन डिफाइन दिस हाइएस्ट कॉस्ट नो हा सेकेंड बेस्ट ऑप्शन ठीक है ओके गेट एट ठीक है ठीक है काफी लोग आंसर कर रहे हैं गुड सो बेसिकली यहां पर मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास सौ रुपए पड़े हुए हैं आपके पास सौ रुपये हैं ठीक है सौ रुपये आप कहीं रेस्टोरेंट पे गए आपके पास आपने जाकर उसको उससे चॉकलेट शेक पी लिया मुझे चॉकलेट शेक बहुत पसंद तो है चॉकलेट शेक का नाम ले रहा हूँ ठीक है तो आपने जा चॉकलेट शेक पी लिया तो वो सौ रुपये आपके पास थे आपने वो खर्च कर दिए अब मेरे पास ऑप्शन ये भी था सौ रुपये का मैं जाकर कोई बुक भी ले सकता था ठीक है सौ रुपये का मैं जाकर कोई बुक ले सकता था तो यहां पर क्या है कि मैं चॉकलेट शेक पी रहा हूं मैंने ये काम कर लिया लेकिन अगर मेरे पास सेकेंड बेस्ट ऑप्शन होता अगर चॉकलेट शेक नहीं होता तो मैं क्या कर लेता बुक खरीद सकता था मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ये मेरा कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बुक मैंने नहीं पढ़ा बुक खरीद कर मैंने नहीं पढ़ा मैंने जाकर सिंपली एंजॉय कर लिया चॉकलेट शेक पी के तो मेरा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बुक एक प्रकार से आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे तो यहां पर क्या इकोनॉमिक गुड इज द गुड विथ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आता है जो भी मैं खर्च कर रहा हूं यहां पर उसके लिए यहां पर कुछ मुझे सेक्रीफाइस कर रहा हूं ना एक प्रकार से हमें लगता नहीं है हमें लग नहीं रहा है ऐसा जब हम खर्च कर रहे होते हैं हम ये थोड़ी सोचते हैं कि कुछ और हो जाता हम तो खर्च कर दिए इतना नहीं सोचते लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ध्यान रखना हर एक चीज़ का यूज है वैसे वैसे आप घर से निकलते समय सोचते तो हो ना कई बार कि इतना पैसा रखा हुआ है आप इसका क्या करोगे हाँ, कई लोग कह सकते हैं कुछ किसी का कहना है सब्जेक्टिव है क्या सर हाँ सब्जेक्टिव हो सकता है अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्ट अब हो हो सकता है कि मेरे लिए लिए बुक गई किसी के लिए, आ, आ, कुछ भी हो सकता था एक मूवी का टिकट हो सकता था ठीक है ये सब्जेक्टिव है अगेन तो बेसिकली यहां पर आई होप कि आप समझ गए फ्री गुड्स क्या होता है गुड्स जो है वो क्या होता है नेक्स्ट अब आते हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप सबको पता होना चाहिए एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज गिफेन गुड्स एंड वेबलेन गुड्स इज दिस गिफेन गुड्स एंड वेबलेन गुड्स और ये जो गुड्स है ना वो वो डिमांड की जो डेफिनेशन होती है उसको चेंज कर देता है एक प्रकार से मैं आपको बताता हूं कैसे गिफ गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं लो प्राइस्ड प्रोडक्ट होते हैं सस्ते होते हैं उसको हम गिफ गुड्स कहते हैं ठीक है हमेशा से जो एक एग्जाम्पल लिया जाता है गिफ गुड्स का आ, जैसे कि ब्रेड हो गया ठीक है ब्रेड हो गया और वही अगर हम वीट की बात करें आटा की बात करें जिससे हम चपाती बनाकर खाते हैं फलका बनाकर खाते हैं राइट तो यहां पर क्या होता है ब्रेड क्या है इससे सस्ता है अब हो सकता है मार्केट में महंगा मिल रहा हो लेकिन यूजुअली क्या होता है आप घर में क्या खाते हो चपाती बनाकर खाते हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है जिसके पास पैसा ना हो वो वो सिंपली ब्रेड ही खा ले क्योंकि ये सस्ता प्रोडक्ट है ठीक है तो गिफेन गुड्स आर लो प्राइस प्रोडक्ट यहां पर एक चीज ध्यान रखना डिमांड फॉर दीज गुड्स राइजेस अलॉन्ग विथ दी प्राइस ठीक है डिमांड अब होता क्या है यहां पर प्रॉब्लम क्या है बेसिकली एक और ध्यान रखिएगा दैट इज कि अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ रही है जब जब भी भी हम क्या देखते हैं किसी गुड्स के अंदर जब आपकी इनकम बढ़ रही होती है तो आप उस गुड्स को और खरीदना चाहोगे है ना जब आपकी इनकम बढ़ रही होती है तो उस गुड्स को खरीदना चाहते हैं लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करोगे आप इस गुड्स का कंजम्पशन कम कर दोगे और शिफ्ट हो जाओगे वीट की तरफ आया समझ में आप इस गुड्स को नहीं खरीद रहे हो आप शिफ्ट किधर हो रहे हो वीट की तरफ हो रहे हो आपने इसका कंजम्पशन कम कर दिया तो एक प्रकार से इसका डिमांड क्या हुआ है डिमांड कम हो गया यहां पर क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया नॉर्मल केस में क्या होता है इनकम इंक्रीज हो रही है डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन इस केस में यहां पर इसका डिमांड जो है वो कम हो गया क्योंकि आप बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की तरफ चले गए सिंपल तौर पर बस इतना ध्यान रखना गिफेन गुड्स जो है वो आपका लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं ठीक है ये आपका लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं एंड इस और अगर हम प्राइस की बात करें अगर यहाँ पर ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा होता है तो इसका डिमांड दिम, भी जो है आप इस तरह से ध्यान रखना है आई थिंक यहां पर थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा आ, टीम के साथ बट एक नॉर्मल बस चीज याद रखना जब मैंने ब्रेड की बात की यहां पर ठीक है तो जब आपकी इनकम बढ़ रही होती है तो नॉर्मल केस में ब्रेड की डिमांड बढ़नी चाहिए लेकिन नहीं ब्रेड से आप शिफ्ट कर रहे हैं वीट की तरफ तो इसकी डिमांड एक प्रकार से गिर जा रही है तो तो जो गिफेन गुड्स होता है दैट इज लो क्वालिटी प्रोडक्ट दीज प्रोडक्ट्स आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड फॉर फूड ठीक है मैंने आपको बताया ना फूड का जो एग्जाम्पल लिया मैंने दे हैव ओनली अ फ्यू सब्सटीट्यूट कुछ होते हैं जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो ब्रेड वीट राइस इस तरह की चीजें होती हैं इसी का जस्ट एक और उल्टा होता है जिसको हम कहते हैं वेबलेन गुड्स जैसे गिफन गुड्स लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं गुड हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं उसका प्राइस प्राइस बहुत ज्यादा होता है गुड्स का काफी कम होता है सॉरी गिफन गुड्स का प्राइस काफी कम होता है और वेबलेन गुड्स का प्राइस जो है काफी ज्यादा होता है यस यस कई लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं ज्वार बाजरा का यस ज्वार बाजरा का आटा इस तरह की जो चीजें हो गई तो वेबलैंड गुड्स इज हाई क्वालिटी प्रीमियम गुड्स अब क्या होता है ना वेबलैंड गुड्स के केस में कि उसकी डिमांड तभी है जब उसका प्राइस ज्यादा है आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर कि कोई गाड़ी है कोई डायमंड है कुछ भी है उसकी वैल्यू तभी तक है जब उसके प्राइसेस ज्यादा हैं क्योंकि एक सेगमेंट है सोसाइटी के अंदर जिसके पास पैसा काफी ज्यादा है वो खर्च करने के लिए तैयार है वो चाहता है उसके पास एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिविटी हो वो अपने आप को अलग रखना चाहता है थोड़ा सा दिखाना चाहता है कि हाँ मेरे पास ये गाड़ी है तो वो गाड़ी का दाम महंगा है तो हो सकता है उसका डिमांड कम हो जाता जो रिच पीपल पहले खरीद रहे थे हो सकता है ना खरीदें तो वेबलेन गुड्स आर बेसिकली हाई क्वालिटी प्रीमियम गुड्स डिमांड फॉर दीज गुड्स इंक्रीजेस अलोंग विद ना पता है ना डिमांड इसका इंक्रीज होता है जैसे-जैसे प्राइस जो है आपका इंक्रीज हो रहा है और गिवन गुड्स के केस में क्या था डिमांड फॉर दीस गुड्स राइजेस अलोंग विद द इसमें कुछ देखना होगा एक बार मैं चेक कर लूंगा ये वाला बट एक बार ये वेबलन गुड्स के केस में आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका क्योंकि प्राइस ऊपर है इसलिए इसका डिमांड है अदरवाइज इसका डिमांड नहीं होता राइज इन डिमांड इज कॉस्ट नेचर मैंने आपको बोल रहा था स्पोर्ट कार हो गई एक्सपेंसिव एसे इस तरह की जो चीजें हैं राइट right? तो यह बेसिक डिफरेंस है एक सिंपल तौर पर बस यह ध्यान रखना गिफ एन गुड्स लो क्वालिटी प्रोडक्ट वेबलेन गुड्स हाई क्वालिटी बस इतना है इतना आपके लिए काफी हो जाएगा यस yes, आईफोन हो गया फॉर समन इज गिविंग द एग्जाम्पल गुची एप्पल यस बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिसको सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दे आर वेबल गुड्स एप्पल के प्रोडक्ट्स यस yes. आई थिंक गॉट द मेन मेन पॉइंट पॉइंट जो फोकस है point है आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर नेक्स्ट अब हम आते हैं अभी मैंने आपसे किसके बारे में करेक्टरिस्टिक्स की बात की गुड्स की characteristics की बात के करेक्टर गुड्स के क्या करेक्टर होते हैं अब हम नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग दी सर्विसेज जो करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ सर्विसेज उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बात करेंगे राइट right? ठीक है सो so, करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं सर्विसेज के सबसे पहला है वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इंटेंजेबल जो चीज आप नहीं देख सकते सर्विसेज आर नॉन फिजिकल आप इसको देख पा रहे हो जैसे कि मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं आप मुझे देख पा रहे हो वो एक अलग चीज हो गया लेकिन जो चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं जो नॉलेज आपको मिल रही है क्या आप उसको देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं सो दिस इज सर्विस राइट सो सर्विसेज आर नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अदर थिंग्स राइट तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है टेंजेबल ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग म्यूजिक पीज सारे एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेना दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हेट्रोजीनियस ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है देखो दो चीजें होती है एक, हो, एक कहते हैं हम होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस होमोजीनियस का मतलब हो गया है, सब कुछ एग्जैक्टली exactly सेम है कोई भी अंतर नहीं है तो मान लो अगर कोई गाड़ी है तो वो तो होमोजीनियस हो सकता है मारुति सुजुकी की ब्रेजा उसका प्रोडक्शन चल रहा है चल रहा है सारे मारुति सुजुकी की ब्रेजा एक ही जैसी हैं ठीक है वो तो गुड्स है ना लेकिन लेकिन सर्विसेज के तौर पर मान लो मैं मेरा ही एग्जाम्पल दे दो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ ठीक है मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊंगा अलग करेक्टर होगा कोई दूसरा इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा पढ़ा इकोनॉमिक्स ही रहा है लेकिन वो किसी और तरीके से पढ़ाएगा तो ये डिफरेंस हो गया राइट वो हैट्रोजीनस होता है सर्विसेज सेम नहीं हो सकती आप अपने घर पर प्लम्बर बुलवाते हो कारपेंटर बुलाते हो क्या दो कारपेंटर एग्जैक्टली exactly सेम हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं राइट right? सिमिलर आप कह सकते हैं लेकिन सेम नहीं हो सकते इसीलिए हम इसको हेटरोजेनस कहते हैं तो सर्विसेज आर हेटरोजेनस इसके बाद एक और इनसेपरेबल फ्रॉम देयर मेकर मतलब कि जो सर्विस बना रहा है उससे आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते क्या मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूं क्या आप अंकिता अग्रवाल को उससे सेपरेट कर सकते हो नहीं कर सकते राइट right? कारपेंटर जो आपको सर्विस दे रहा है जो फर्नीचर आपको बनाकर दे रहा है क्या आप कारपेंटर को उससे सेपरेट कर सकते हो नहीं कर सकते क्योंकि कारपेंटर है तभी तो वो आपको सर्विस दे रहा है क्योंकि प्लम्बर है तभी तो आपको वो घर में सर्विस आकर दे रहा है ठीक है जो आपका कुक है तो कुक है तभी तो वो आपको खाना बनाकर दे रहा है तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते दे आर इनसेपरेबल इसके बाद ये पेरिशेबल होता है सर्विसेज अनलाइक एसेट कैन नॉट बी स्टोर दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हाँ आजकल तो टेक्निक आ गई है कि आ, जो आजकल तो टेक्निक आ गई है कि मान लो आ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो गया तो आप इसको स्टोर करके वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर पा रहे हैं लेकिन एक बार जो मैंने पढ़ा दिया क्या उसको मैं बदल सकता हूं एक बार ये जो क्लास में मैंने आपको बता दिया मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा वो एक अलग चीज़ है लेकिन जो भी मैं बोलता जा रहा हूं आपको नॉलेज देता रहा हूं वो तो होता जा रहा है ये परिषेबल है कि आप इसको कहीं स्टोर कर रहे हो वो, वो एक अलग चीज है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम कर रहे हैं वो एक पूरा डिफरेंट मैटर है ठीक है लेकिन इट इज पेरिशेबल जिस जिस तरह से जिस तरह से से एसेट गुड्स को को आप स्टोर कर सकते हो गाड़ी बनाकर रख सकते हो आप सर्विसेज को नहीं रख सकते सर्विसेज तुरंत डिलीवर हुआ वो तुरंत डिलीवरी उसकी हो जाती है खत्म ठीक है तो दिस इज पेरिशेबल थिंग उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर एक और जो कॉन्सेप्ट आता है जो हम सबको पता होना चाहिए एंड दैट इज बेसिकली यूटिलिटी ठीक है यूटिलिटी। द टर्म यूटिलिटी सिग्निफाइज यूजफुलनेस इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी रेफर्स टू कमोडिटीज और एबिलिटी टू सेटिसफाई सिंपल सा चीज़ है यूटिलिटी का सिंपल अर्थ होता है टू सेटिस्फाई योर वांट। जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो चाहे गुड्स है सर्विसेज है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या आप उससे सेटिसफाइड हो कि नहीं ठीक है तो उस अब हो सकता है कि मान लो आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं कह सकते हैं हाँ सर बड़ा बहुत अच्छा पढ़ा है हो सकता है कुछ कह दें कि नहीं 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 सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है हो सकता है तो हर एक पर्सन की यूटिलिटी अलग होती है किसी भी चीज़ से ठीक है हो सकता है किसी को गाड़ी बहुत पसंद हो उसके लिए गाड़ी सब कुछ हो सकता है बहुत खुश हो जाएगा उसके लिए यूटिलिटी बहुत हाई होगी लेकिन किसी को नहीं इंटरेस्ट है भाई नहीं उसको पसंद है गाड़ी किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये ये आपका जो है यूटिलिटी यूजफुलनेस कितना है अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव यूटिलिटी लाइज इन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ सर्टेन टाइम एंड लोकेशन ठीक है अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जैसे गुड्स की सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी प्रकार से यूटिलिटी की भी सर्विस आ, की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट इज साइकोलॉजिकल अब वेजिटेरियन मैंने आपको बताया ना साइकोलॉजिकल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियन वेजिटेरियन डिराइव नो यूटिलिटी फ्रॉम चिकन सही सी बात है यहां पर साइकोलॉजिकल हुआ ना नॉन वेज पर्सन के लिए चिकन जो है वो यूटिलिटी देगा वेज पर्सन के लिए क्या यूटिलिटी देगा नहीं जीरो यूटिलिटी है उसके लिए तो साइकोलॉजिकल होता है नॉट इक्वलन टू यूजफुलनेस हम सेम चीज नहीं कह सकते यूजफुल है कि नहीं मान लो एक स्मोकर है ठीक है सिगरेट स्मोक कर रहा है तो जो सिगरेट यूज कर रहा है जो स्मोक करता है भले ही उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो लेकिन क्या उसके हेल्थ के लिए वो यूजफुल है नहीं है तो यूटिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका यूजफुलनेस भी हो उतना ही ठीक है तो ये चीज़ हमें देखना है इट इज़ नॉट सेम एज प्लेजर अस्सी परसेंट दे रहा मतलब कि मान लो एक बीमार आदमी है बीमार पर्सन है वो मेडिसिन ले रहा है मेडिसिन क्यों ले रहा है ताकि वो ठीक हो सके उससे उसको कोई आनंद नहीं आ रहा है उसको मजा नहीं आ रहा है मेडिसिन लेके तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेजर भी ले रहे हो आप एंजॉय कर रहे हो तो यूटिलिटी का अगेन बहुत सारा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी प्रकार से इट इज द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन वॉन्ट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फेसेज अ टेंडेंसी ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है कि यूटिलिटी के, के केस में क्या होता है ना जैसे जैसे आप चीज़ों को और कंज्यूम करते जाते हो कंज्यूम करते जाते हो आपकी यूटिलिटी काफी हद तक कम होती जाती है जनरल थियोरी यही कहता है जैसे कि मान लो अभी मान लो अभी आपने एक एप्पल खाया ठीक है आपको बहुत सारा यूटिलिटी मिला मतलब मान, मान लो वैसे हम न्यूमेरिकल टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते लेकिन स्टिल मान के चलो मैं कह रहा हूं आपको ट्वेंटी यूटिलिटी मिली फिर आपने तुरंत ध्यान रखिएगा मैं तुरंत की बात कर रहा हूं साल भर के बाद एप्पल दूसरा खाया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आपने एक एप्पल खाया ट्वेंटी यूटिलिटी मिल गई जैसे ही फिर दूसरा एप्पल खाया आपकी यूटिलिटी क्या सेम होगी जो पहला एप्पल खाया था सबसे ज्यादा मजा आया होगा फिर दूसरा एप्पल खाने में क्या आपको वही सेम प्लेजर मिलेगा उतना वो चीज हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो यूटिलिटी यहां पर क्या हो गई ट्वेंटी से फिफ्टीन हो गई फिर तीसरा उसी समय तुरंत खाया फिर यहां पर टेन हो गया तो गिरता जाता है यूटिलिटी जैसे जैसे आप चीजों को कंज्यूम करते जाओगे मैं तुरंत की बात कर रहा हूं अब अगले दिन हो सकता है वापस आप एप्पल खाओ तो आपकी यूटिलिटी फिर से बढ़ जाए वो एक अलग चीज़ है लेकिन जैसे जैसे तुरंत आप कंज्यूम करते हो तो आपकी यूटिलिटी कम होती जाती है मैंने आपको पहले ही बोल दिया इट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इसके अंदर इट हैज नो एथिकल और मॉरल सिग्निफिकेंस ठीक है मॉरल सिग्निफिकेंस कहने का मतलब है एथिकल से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि क्योंकि मान लो अगर एक चाकू है जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ एक नाइफ है चाकू है ठीक है कुक के लिए वो चाकू बहुत यूजफुल है कुक के लिए भी और जो मर्डरर है जो किलर है उसके लिए भी यूजफुल है लेकिन किलर के लिए मॉरेलीटी कुछ भी ध्यान में नहीं रखती है वो तो जस्ट किसी को मारने के लिए है लेकिन उसी चाकू से कोई कुक जो है वो खाना बना रहा है तो यहाँ पर आप मॉरल और एथिकल की बात नहीं करते हैं यूटिलिटी इज जस्ट द कॉन्सेप्ट कि आपको उसके उससे कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है ठीक है तो ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखना है और यूटिलिटी की हम बात करते हैं तो कई प्रकार की यूटिलिटी हो सकते हैं फॉर्म यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना नहीं है मैं जस्ट एक एक करके गो थ्रू करता जाऊंगा गुड सर्विस गुड्स और सर्विस इज ओनली यूजफुल टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इफ इट इज ऑफर्ड ए स्पेसिफिक फॉर्म मतलब कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको मिलना चाहिए मान लो मैं आपको एक कॉटन दे रहा हूँ ठीक है कॉटन रॉ कॉटन दे रहा हूँ क्या आपके लिए कोई उसका यूज है नहीं है अगर मैं उसी से कॉटन से कपड़ा बनाकर दे रहा हूं क्लोथ बनाकर दे रहा हूं तब आपको आ, उसकी यूटिलिटी है मैं जस्ट आपको एक टायर दे दे रहा हूं गाड़ी का क्या उसकी कोई यूटिलिटी है मैं उस टायर को गाड़ी में लगाकर दे रहा हूं तो उसकी यूटिलिटी है राइट तो यूटिलिटी आपको ध्यान में रखना है येस yes, कोई बात कर रहा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी की दैट्स राइट right. कि उसी को हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हो आपकी सेटिस्फैक्शन गिर जाती है उसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहते हैं राइट right. तो ये फॉर्म यूटिलिटी हो क्या इसी प्रकार से टाइम यूटिलिटी होता है ठीक है टाइम मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम में आपको जो है वो चीज़ मिल रहा है जैसे कि मान लो Uh, आप में से ब्लड देते होंगे कई लोग मैं तो हर तीन महीने पे देता हूँ आप सभी को देना चाहिए वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और नॉट डजेंट मैटर आपको ब्लड हर तीन महीने पे देना चाहिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा रेगुलर uh, एक नया ब्लड आता रहेगा शरीर में और आप काफ़ी हद तक हेल्प भी करते हो राइट right. तो यहाँ पर ब्लड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जब मैं ब्लड दे रहा हूँ तो क्या उसका कोई यूटिलिटी है नहीं है जब तक वो ब्लड किसी के काम ना आ जाए ठीक है तो ये टाइम का डिफरेंस हुआ कि जब मैं ब्लड दिया तब जरूरी नहीं है कि वो काम आएगा लेकिन जब एक्चुअली में ब्लड किसी को गया किसी को काम आया तो उसको हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं ठीक है प्लेस यूटिलिटी अगेन यहां पर भी आप देखोगे तो अब बुक प्रोवाइड्स प्लेस यूटिलिटी ओनली इन दी लोकेशन ऑफ दिस एजुकेशन ठीक है तो अब मान लो कोई बुक को बनाया जा रहा है बुक को प्रोड्यूस किया जा रहा है देन जब बुक को प्रोड्यूस किया गया किसी भी आ, आ, पब्लिशर के पास तो क्या उसकी कोई यूटिलिटी है नहीं है लेकिन उसी बुक को जब लाइब्रेरी लाया गया आपको दिया गया तब उसकी यूटिलिटी आएगी राइट तो ये चीज़ हमें जो है ध्यान में रखना होता है एंड उसके बाद सर्विस यूटिलिटी हो गया उसी प्रकार से क्लाइंट्स गेट सर्विस यूटिलिटी जैसे कि मान लो लॉयर हो गया तो लॉयर जब आपको सर्विस दे रहा है आपके लिए केस लड़ रहा है डॉक्टर जब आपको ठीक कर रहा है आपका इलाज कर रहा है तो वो सर्विस यूटिलिटी के अंदर जो है काउंट होता है इसी प्रकार से पोसेशन यूटिलिटी हो गया ए स्टूडेंट अ अ बुक 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 और डिक्शनरी फ्रॉम स्टोर स्टोर राइट जब 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 में है है सेलर के पास है, तो क्या उसकी कोई यूटिलिटी है नहीं है लेकिन वही बुक आपने जाकर खरीद लिया आपके पास आ गया वो चीज तो वो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है नॉलेज यूटिलिटी ऐसे ही हो जाता है एडवर्टीजमेंट हो गया ठीक है आप बाहर जा रहे हो सड़क पर जा रहे हो कोई आपने एड देखा तब उसकी यूटिलिटी आती है राइट आपको नॉलेज मिला उससे कि ये चीज मार्केट के अंदर इस समय प्रेजेंट है राइट दोस्तों आज दिवाली सेल का आखिरी दिन है साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब स्टडी आईक्यू आपको यूपीएससी कोर्स सबसे कम दाम पर प्रोवाइड करता है तो आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है अगर आप इस कोर्स को अनरोल करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज द कोड अंकित लाइव ताकि सिर्फ 17,500 में ये जो पूरा फाइव बैच है जिसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाती है वो आप अवेल कर सकते हैं इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं नोट्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है प्रिलिंट सीरीज हो गया और साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी खरीदना है जैसे हिस्ट्री पी एस आई आर सोशियोलॉजी जोग्राफी ये सब भी लाइव ही पढ़ाया जाता है तो यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अवेल ऑफर्स विजिट आवर वेबसाइट एंड ऐप और वहां पर यूज द कोड अंकित लाइव ताकि बहुत कम दाम पर आज आप इस कोर्स को ले पाए थैंक यू उसके बाद यहां पर आता है है कितना स्लाइड हो गया थोड़ा ब्रेक लेना है क्या मैं भी लाइक आज आज लेट मी टेल यू जैसे कि आपको पता होगा यूट्यूब पर 10-15 मिनट के वीडियोस ही बनाता हूं देन बहुत कम ऐसा आदत रहा है कि इतना लंबा तक क्लास लिया हूं लेकिन स्टिल चलो आप लोग की डिमांड थी कि चलो इकोनॉमिक्स में पढ़ाना है तो ठीक है ठीक <laughs> है चलो शुरुआत करते हैं तो लास्ट हमने कहाँ पर ख़त्म किया था यूटिलिटी तो यूटिलिटी आई होप कि आप सबको चीज़ें अच्छे चीज़े से समझ में आ गई होंगी जस्ट एक कॉन्सेप्ट है बस ध्यान में रखना है उसको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना कि इतने सारे ये प्रोसेसन यूटिलिटी ये जैसा आपको एक गो थ्रू कराने के लिए है ताकि एक आइडिया रहे आपके दिमाग में ठीक है बहुत प्रेशर मत लेना कि हाँ एक एक चीज़ पता होना चाहिए सर्विस नहीं आने वाला ठीक है बहुत सारी चीजें होंगी जो कि डायरेक्टली नहीं आएंगी लेकिन अगर स्टिल आपके दिमाग में होगा तो मे भी हो सकता है मेंस में कहीं पर आप यूटिलिटी शब्द का इस्तेमाल करो मैंने आपको बोला ना शुरुआत में ही बोला था कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर इसकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है

ठीक है तो उसी गुड्स को बेसिकली उसके ऊपर जो वैल्यू है उस गुड्स की क्या होगी ऑफिस बात है कोई ना कोई वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी पहले की बात होती थी बार्टर सिस्टम में हम बात किया करते थे राइट हम बार्टर सिस्टम की बात किया करते थे बहुत पहले जब एक गुड्स को दूसरे गुड्स से जो है एक्सचेंज कर लिया जाता था राइट तो अब हम आ, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती गई कॉम्प्लेक्स होती गई तो बार्टर सिस्टम काम नहीं आता है हर एक गुड्स के ऊपर आपको उसकी वैल्यू देनी होती है तो वही है आपका फॉर एग्जाम्पल द मनी चार्ज फॉर बाइंग अ टूथपेस्ट कुछ भी हम खरीदते हैं तो उसकी एक यूटिलिटी होती है द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ कमोडिटी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ दैट गुड अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर ध्यान रखना हमेशा डिमांड और सप्लाई ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना डिमांड और सप्लाई का जो कि पूरी इकोनॉमिक्स को चलाता है ठीक है तो यहां पर अगर हम प्राइस की भी बात करते हैं तो वो भी आपका डिमांड और सप्लाई पर डिटरमाइंड होता है अगर अगर डिमांड बढ़ता जा रहा है किसी भी गुड्स का प्राइस क्या होगा बढ़ता जाएगा सिंपल सा चीज़ है क्योंकि सप्लाई अगर लिमिटेड है और डिमांड बढ़ा है अगर अगर हमारे देश के अंदर सौ एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं सिर्फ ठीक है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे सौ से एक सौ दस कर दोगे प्रोड्यूस करने लग जाओगे डिमांड बढ़ रहा है एक सौ दस से एक सौ बीस करोगे ऐसा तो है नहीं कि सौ से अचानक से हज़ार एप्पल प्रोड्यूस कर सकोगे कैपेसिटी नहीं होती है उतनी राइट तो और लेकिन अगर डिमांड बढ़ रहा है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है आबादी बढ़ती जा रही है देश की तो यहां पर क्या होगा डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई उतना नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है डिमांड बढ़ रही है तो यहां पर उसका प्राइस भी बढ़ेगा जनरल इकोनॉमिक्स यही कहता है तो ये ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है यहां पर डिमांड और सप्लाई जो है वो डिटरमाइन करता है कि, कि किसी भी गुड्स का गुड्स या सर्विसेज का प्राइस क्या होगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन हाँ यूपीएससी कोर्स का आपका प्राइस वही है क्यों क्योंकि यहां पर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया एजेंटेड यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जितने भी लोग जुड़ते जाओ यहाँ पर हम सभी को वही चीज़ दे पाएंगे सप्लाई वही है मैं बोल रहा हूँ एक ही बार बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पर आप कितने भी बढ़ते जाओ डिमांड कितनी भी बढ़ती जाए तो इससे हमें उतना वो फर्क नहीं पड़ता है हाँ वो एक अलग चीज़ है कि हमें उस हिसाब से कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है जो सिस्टम है पूरा कितना लोगों को ले सकेगा वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना होता है बट अगेन वो सारी चीजें पॉसिबल हैं वो सब कुछ टेक्नोलॉजी क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो जो सभी प्रॉब्लम्स uh, का सोल्यूशन निकालने की स, uh, कोशिश करती है तो प्राइस डिटरमाइंस व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सप्लाई कितना होगा किसी भी चीज का अगेन उसके ऊपर प्राइस के ऊपर डिटरमाइन करता है कोई भी गुड्स का प्राइस अगर बहुत कम है तो काफी कम लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको प्रोड्यूस करने में क्योंकि उनको लगेगा अरे हम ये क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे अच्छा कोई दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करो अगर हम उसको बेचेंगे तो उससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा होता है कि नहीं होता है आप भी अगर मान लो आगे चलकर कोई भी है कोई भी पर्सन है आपके घर में कोई बिजनेस है कुछ भी है तो वो वो तभी डिटरमाइन होता है राइट कि यहां पर उसका प्राइस क्या है प्राइस डिटरमाइंस व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनमी सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये इसका मैं आपको जैसे एक एक ओवरव्यू देना चाहता हूं जैसे कि आजादी के बाद देश के आजादी के बाद ऐसा नहीं है आपने याद होगा मालोनोबिस मॉडल वगैरह आया था ठीक है तो उसमें क्या था इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर फोकस करने की कोशिश की जा रही थी राइट तो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस क्यों सब क्योंकि सरकार पैसा लगाने के लिए तैयार है पैसा देने के लिए तैयार है क्योंकि कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं था

वो नॉर्मल डेली बेसिस का काम है कि हम मार्केट जाते हैं कोई चीज को खरीदते हैं राइट right. तो इन जनरल अ अ मार्केट टू लोकेशन वेयर गुड्स गुड्स आर एंड सोल्ड कोई भी वहां वहां पर आ रहा है आप जाकर खरीद रहे हो एक मीटिंग प्लेस है इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट का एक बहुत ही ब्रॉडर सेंस होता है ऑनलाइन भी हो सकता है आजकल के डेट में अमेजोन क्या है एक प्रकार का मार्केट ही है वहां पर भी सेलर्स आते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और आप वहां पर जाते हो देखते हो और वहां से जो है उसको खरीदते हो स्टॉक मार्केट किसी ने बोला बिल्कुल सही बात है स्टॉक मार्केट भी है राइट वहां पर शेयर्स की लिस्टिंग होती है वहां पर लोग जाकर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं मार्केट हो गया राइट इन इकोनॉमिक्स अ मार्केट रेफर्स टू अ ट्रांजैक्शन इन विच बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज कमोडिटीज एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस इकोनॉमिक्स में जब हम मार्केट की बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो प्रोडक्ट्स हैं जो बायर है सेलर है उनके बीच में एक्सचेंज होता है फॉर अ प्राइस अब ये कहीं पर भी हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है ऑफलाइन हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है तो मार्केट यहाँ पर अगेन एक बहुत ही ब्रॉडर सेंस में हम बात करते हैं कॉस्ट कॉस्ट इज अगेन एक्सपेंस जो इनकर्ड होता है टू मैनुफैक्चर और एक्वायर अर स्पेसिफिक क्वान्टिटी आप कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं, हैं उसका कॉस्ट क्या है ठीक है अब कोई मान लो कोई अगर मैं पेन को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो पेन को प्रोडक्शन करने की मेरी लागत कितनी आ रही है कॉस्ट कितनी आ रही है तो वही कॉस्ट हो गया जो भी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ अगर हम नॉर्मल देखें तो यहाँ पर कई प्रकार के कॉस्ट हो सकते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट हो सकता है इकोनॉमिक कॉस्ट हो सकता है आउटले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ पर बताया राइट डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट प्राइवेट एक एक करके ये सब कुछ स्लाइड्स में इंक्लूड कर दिया है जस्ट गो थ्रू करना चाहो कर लेना अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा जो है अपना टाइम इसमें पूरा लगा देना ऐसा कुछ नहीं है जस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिकली जो एंट्रप्रेनर अप फ्रंट पे करता है मेरे कोई फैक्ट्री है कोई चीज है बिजनेस है मैं डायरेक्टली जिस चीज के ऊपर पेमेंट कर रहा हूं तो उसको अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं प्राइस पेड फॉर रॉ मटेरियल मशीन्स वर्कर जो वेजेस हैं जो मैं पे कर रहा हूँ अप फ्रंट पे कर रहा हूं डायरेक्टली पे कर रहा हूं ठीक है उसको अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब उसको अकाउंट के अंदर शामिल कर रहे हैं उसके के लिए उसका नाम अकाउंटिंग कॉस्ट आ गया कोई भी बिजनेस चल रहा होता है उसके अंदर एक एक कागज छिट्टा होता है

अब मैंने एक लाख रुपए का कोई काम स्टार्ट कर दिया कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया छोटा सा ठीक है तो अगर मान लो एक लाख रुपए मैंने लगाया साल भर के बाद मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है आ, दस हजार रुपए तो एक लाख के ऊपर मुझे कितना यहां पर रिटर्न आया दस परसेंट के आसपास ठीक है लेकिन अब ये दस हजार कमाने के लिए मैंने सोचो अपना एक लाख रुपए लगाया था मैंने अपनी मेहनत लगाई पसीना लगाया

ये अपना पैसा इसके अंदर लगाया है तो जो ये जो आप देख रहे हो ना इसका ये इकोनॉमिक कॉस्ट है ये छे हजार बेसिकली ये इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया राइट एक का क्वेश्चन क्वेश्चन है है बार बार कई आ रहा है कि आपको क्या को कोई दूसरा मेटीरियल बुक फॉलो सी सिंपली मैंने फिर से अभी शुरुआत में बोला था दैट स्टडी आई का इकोनॉमिक्स बुक हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ आपका इंक्लूड करके उसको बनाया है आप ज्यादा से ज्यादा रेफर करना चाहो वो कर लेना

सोच के देखो वही एक लाख रुपए मैं बिजनेस में ना लगाकर मैं अपना सिंपली उसको लगा देता आ, कि बैंक अकाउंट में जमा कर देता फिक्स डिपॉजिट कर देता बैंक मुझे छह परसेंट इंटरेस्ट दे देता तो मुझे तो छह हजार तो ऐसे ही मिल जाते इट हजार तो मुझे ऐसे ही मिल रहे थे तो ये छह हजार छोड़कर मैंने अपना पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया राइट यहां पर मैंने अपना टाइम लगाया

ठीक है तो ये आपका इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया नेक्स्ट है यहां पर आउटले कॉस्ट आउटले कॉस्ट क्या है आउटले कॉस्ट सिंपली जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं उस पर जो आउटर जो चीजें हैं जैसे कि यहां पर सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर बाहर से चीजें दिखती हैं मटेरियल के लिए जितना भी होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट होता है ना उसी को हम आउटले कॉस्ट कहते हैं ठीक है ये हो गया उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया था आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आता है व्हेन एन मेक्स स्पेसिफिक डिसीजन कॉस्ट आर द द अर्निंग्स फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज थारकॉन मतलब दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब मेरे पास मैंने आपको पहले ही बोला था सौ रुपया मेरे पास पड़े हुए हैं सौ रुपए से जाकर मैंने चॉकलेट शेक पी लिया ठीक है लेकिन मेरे लिए दूसरा अल्टरनेटिव क्या था या मैं यहाँ पर बुक भी खरीद सकता था तो ये जो मैंने मिस किया ये जो मैंने छोड़ दिया है इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे राइट यस आउटले इज वर्किंग प्रोग्रेस कॉस्ट भी होता है तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने पहले पहले भी इसको बताया अगर आप में से किसी का मिस हुआ है पहले देख लेना यहां पर डायरेक्ट कॉस्ट की हम बात आते हैं डायरेक्ट कॉस्ट आर आल्सो नोन एज ट्रेसेबल कॉस्ट अगेन इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे जो कि डायरेक्टली एक्सपेंडिचर लगता है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन कस्टमर एक्विजिशन लगभग लगा आपको सब कुछ सिस... थोड़ा बहुत सेम ही देखने को मिलेगा अकाउंटिंग कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट इस तरह की चीजें जस्ट एक गो थ्रू कर लो इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है जो इनडायरेक्टली लगता है डायरेक्ट कॉस्ट में तो क्या है कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे डायरेक्टली पे करना पड़ रहा है राइट right? कोई भी पेन को प्रोड्यूस करने के लिए कार को प्रोड्यूस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर को पैसा लगाना पड़ रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है जो इनडायरेक्टली लगता है जैसे कि इनकम टैक्स इनकम टैक्सेस हो गए जब यहाँ पर मेरा पूरा प्रोडक्शन हो गया प्रॉफिट हो गया उसके बाद भी मुझे कुछ यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है राइट तो उसको यहां पर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं इनडायरेक्टली यहां पर मेरा कॉस्ट लग रहा है प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है और भी कई सारे कॉस्ट होते हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हो गया वो मेरा डिसीजन है राइट कि मैं एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा हूं द हिंदू में स्टडी आईक्यू का जो एड है वो आ रहा है फर्स्ट पेज पे वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया राइट right. तो उस तरह की चीजें प्राइवेट कॉस्ट होती हैं सोशल कॉस्ट भी होता है सोशल कॉस्ट का मतलब ये इंपॉर्टेंट है दैट इज कि जो चीज मैं कर रहा हूं उसकी वजह से कुछ चीजें खराब हो रही हैं उसका कॉस्ट कौन भरेगा जैसे कि मान लो वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इन टू दी रिवर मेरी कोई फैक्ट्री है उससे कोई वेस्ट वाटर निकल रहा है खराब पानी निकल रहा है वो रिवर में बहता जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है मैं अपने रिवर को पोल्यूट कर रहा हूं राइट right. तो वो क्या है वो सोशल कॉस्ट है मतलब मेरी वजह से सोसाइटी को वो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है अगर मैं रिवर को पोल्यूट नहीं करता तो मेरे आसपास की जो सोसाइटी है जो लोग हैं उनको स्वच्छ पानी मिलता तो वो वो उस तरह की जो कॉस्ट होते हैं दोस्तों उसको हम बेसिकली सोशल कॉस्ट कहते हैं इसी प्रकार से फिक्स कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि लगेगा ही लगेगा जैसे कि मान लो मैंने एक फैक्ट्री एक कोई जगह रेंट पर ले ली तो भले ही उस जगह पर मैं कोई चीज प्रोड्यूस करूं रहूं क्या करूं डजेंट मैटर मुझे जो रेंट पे करना है उसका वो तो लगेगा ही लगेगा ठीक है और इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जहां पर अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तभी कॉस्ट लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा अगर मैंने फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड लिया एक जगह लिया है वहां पर अगर मैं कार को प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं कार को प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए स्टील चाहिए बहुत सारी चीजें चाहिए तो उसके लिए जितना ज़्यादा मैं प्रोड्यूस करूंगा गाड़ी को उतना ज़्यादा रॉ मेटेरियल चाहिए तो वो क्या है वेरिएबल कॉस्ट है डिपेंड कर रहा है कि मैं कितना प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ और फिक्स कॉस्ट क्या था ये लगेगा ही लगेगा रेंट हो गया टैक्सेस हो गए इंटरेस्ट मैंने जो लोन लिया था वो तो लगेगा ही लगेगा तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इसी प्रकार से एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है मतलब कि वैन कॉरपोरेशन मेक्स अ पॉलिटी डिसीजन पॉलिसी चेंज इंक्रीमेंटल कॉस्ट अचानक से एक बड़ा कॉस्ट आ जाता है जैसे कि पहले बहुत सारे एम्प्लॉयज रख रखे थे कंपनी में ठीक है अब अचानक से टेक्नोलॉजी आ गया कंप्यूटर आ गया तो सबको कंप्यूटर प्रोवाइड करना तो अचानक से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से मैंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि सबके पास एक लैपटॉप होना चाहिए कंप्यूटर होना चाहिए तो अचानक से क्या होगा मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं मतलब वो कॉस्ट जो कि कंपनी के पॉलिसी चेंजेस की वजह से आता है राइट right? उसके बाद एक और होता है दैट इज सनक कॉस्ट सन कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट आर एंटरप्रेनर हैज ऑलरेडी इनकर्ड एंड कैन नो लॉन्गर रिकवर कहने का मतलब यह है कि आपने वो कॉस्ट एक बार लगा दिया आप उसको कभी रिकवर कर ही नहीं सकते मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट एक बार लगा दिया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो गया आपको उससे क्या बेनिफिट आया नहीं आया डजंट मैटर लेकिन आपने एक बार उसको लगा दिया वो आपका कॉस्ट लग चुका है आप उसको रिकवर नहीं कर सकते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मशीनरी एक्विजिशन के ऊपर मतलब एक बार कॉस्ट लग गया वो लग ही गया आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे ये कुछ कॉस्टिंग के बारे में था अब मैं आता हूं उसका दूसरा पहलू दैट इज रेवेन्यू ठीक है अगेन रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं प्रॉफिट से रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट ठीक है ध्यान रखना रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट मनी अर्न फ्रॉम द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है, जैसे कि मेरी एक कोई कंपनी है अगर मुझे साल भर में एक लाख रुपए रेवेन्यू आया है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरा प्रॉफिट है ये नहीं, अब लाख जो रेवेन्यू है उसमें मेरा काफी सारा कॉस्ट लगा होगा प्राइस लगा होगा ठीक है जैसे कि मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं हो सकता है उसमें मेरा लगभग साठ हजार रुपए लग गए होंगे ठीक है तो ये क्या है ये साठ हजार जो है कॉस्ट है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया प्रॉफिट इज नथिंग बट लाख मेरा जो रेवेन्यू आया था माइनस कॉस्ट तो प्रॉफिट मेरा फोर्टी थाउजेंड होगा ठीक है तो उसी प्रकार से टोटल रेवेन्यू इज बेसिकली प्राइस इंटू क्वान्टिटी मतलब कोई एक पेन है उसकी पेन का प्राइस है दस रुपए मैं यहां पर दो सौ पेन प्रोड्यूस कर रहा हूं तो टोटल तो रेवेन्यू मेरा कितना होगा टू थाउजेंड रुपीज तो ये रेवेन्यू है ध्यान रखना है आपको ठीक है तो रेवेन्यू इज मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस सिंपल है आई डोंट थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस है कुछ बताने का अब यहां पर देखो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू आता है दैट इज इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम अगेन आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर ये जो है ना इक्विलिब्रियम वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कहीं पर भी आप देखना हम कहते हैं ना कोई चीज इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बैलेंस में है ठीक है कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जानी चाहिए चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम को केमिस्ट्री में पढ़ा था राइट तो इसी तरह से इक्विलिब्रियम क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर भी होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं डिमांड और सप्लाई का एग्जाम्पल ले लो आप ठीक है डिमांड बढ़ता जा रहा है सप्लाई कम है ठीक है सप्लाई कम है डिमांड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा प्राइस भी बढ़ेगा समझो मैं क्या कह रहा हूं uh, मैं ये कह रहा हूं कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है ठीक है सप्लाई उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने लगेंगे अब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होने लगेंगे तो उस हिसाब से डिमांड भी तो थोड़ा थोड़ा गिरने लगेगा जितना लोग पहले डिमांड कर रहे थे जब एक पेन की कॉस्ट दस रुपए थी तो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे अब उस पेन की कॉस्ट पंद्रह रुपए हो गई क्या उतने ही लोग डिमांड करेंगे उतना ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब प्राइस भी इंक्रीज होगा तो डिमांड भी नीचे होगी तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा जैसे बारह रुपए एक ऐसा समय आ गया कि वहां पर इक्विलिब्रियम हो गया डिमांड और सप्लाई मैच कर गए ठीक है तो उसको जब मैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम तो इकोनॉमी में ज्यादातर कोशिश यही होती है चीजों को इक्विलिब्रियम में लाने की

कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिंग कर लेगा मार्केट फोर्सेज में और वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा इन द एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेज इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेंस कॉन्स्टेंट बेसिकली हम ये कहते हैं कि बाकी चीजें कॉन्स्टेंट है इकोनॉमी के अंदर और इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो इक्विलिब्रियम पे हम आ जाते हैं खैर जो भी है बट आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ अगेन डिमांड कर्व क्या है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व का जैसे मतलब थर्टी रुपीज फोर्टी रुपीज़ ये क्वानिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी मतलब पेन की अगर हम बात करें ठीक है एक पेन दो पेन तीन चार पांच ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब दस रुपए पेन का प्राइस है तो लोग पांच क्वान्टिटी डिमांड कर रहे हैं बीस पेन का प्राइस है तो क्वान्टिटी क्या हुआ कम हो गया तीस रुपए यहाँ पर प्राइस है तो क्वांटिटी और कम हो गया जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है जो है आपका क्वांटिटी कम होती जा रही है लोग डिमांड कर रहे थे राइट right. और ये तो बेसिकली हमने क्या देखा ये डिमांड हो गया उसी प्रकार से सप्लाई होता है तो यहां पर एक और अगर मैं आपको चार्ट बनाऊं इधर ठीक है डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होता है ये सप्लाई है ये नीचे वाला ये डिमांड है ठीक है तो यहां पर क्या है ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना इसी पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम मतलब जितनी सप्लाई है उतना ही डिमांड है ठीक है तो यहां पर हो सकता है एक पेन का एक पेन का कॉस्ट पंद्रह रुपये हो ठीक है और प्राइस पंद्रह रुपये हो और यहाँ पर ट्वेंटी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है ठीक है तो ऐसे भी हो सकता है तो ये ट्वेंटी क्वांटिटी है पेन का मतलब ट्वेंटी सप्लाई भी हो रहा है पेन और ट्वेंटी पेन डिमांड भी हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं और कितना रुपए प्राइस है पंद्रह रुपए तो ये जो सिचुएशन है बेसिकली इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम यस दैट्स इट तो आई थिंक सबको समझ में आ गया अल्टीमेटी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देन लेट्स कम टू इनकम इनकम इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बिजनेस अगेन इनकम भी वही चीज हो गया कि जो हम जो रेवेन्यू अर्न करते हैं हम राइट एक बिजनेस से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेस को सेल करके उसको इनकम कहा जाता है इनकम ऑल्सो रेफर्स टू मनी एंड इंडिविजुअल रिसीव इन कंपनसेशन फॉर देर लेबर अब देखो यहाँ पर क्या होता है एक इम्पोर्टेंट uh, कॉन्सेप्ट बताता हूँ एक होता है नॉमिनल इनकम और रियल इनकम क्योंकि आगे चलकर जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे याद है जब जीडीपी का फिगर आता है हमेशा यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाता हूं और उसमें आपसे बात करता हूं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में राइट right. तो उसी प्रकार से यहां पर आप इस चीज को समझ लो कि इनकम की जब हम बात करते हैं तो अगेन यहां पर एक नॉमिनल इनकम होता है और रियल इनकम होता है तो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं देखो जैसे कि मान लो अभी सैलरी है पचास हजार रुपए मान लो किसी पर्सन है पर्सन ए उसकी सैलरी है पचास हजार रुपए ठीक है ये सैलरी अगर मान लो एक साल के बाद उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई ठीक है अब मैं कहता हूं कि उसकी सैलरी टेन परसेंट से इंक्रीज हुई अब उसकी सैलरी हो गई कितनी पचपन हजार रुपए ठीक है तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें यहां पर उसकी सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है पांच रुपए से ठीक है तो ये पांच हजार जो है इसको हम कहेंगे नॉमिनल इनकम जो इंक्रीज हुआ है लेकिन रियल इनकम क्या होता है जब हम उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं कहने का मतलब यह है कि मान लो यहां पर अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन है पांच परसेंट का तो पहले वो पचास हजार में जो गुड्स खरीद सकता था क्या वो वही गुड्स पचास हजार में खरीद पाएगा आप? नहीं खरीद सकता क्योंकि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर क्या हुआ उसकी इनकम इंक्रीज हुई टेन परसेंट नॉमिनल लेकिन इन्फ्लेशन पांच परसेंट है तो यहां पर उसको आप एडजस्ट करो ना आप उसकी रियल इनकम क्या दस परसेंट इंक्रीज हुई है नहीं हुई है उसकी रियल इनकम सिर्फ पांच ही परसेंट इंक्रीज हुई है क्योंकि पांच परसेंट तो उसका इन्फ्लेशन में चला गया आया समझ में तो इनकम हम इसी तरह से चीजों को डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर वो रियल इनकम है तो रियल इनकम इज बेसिकली यहाँ पर जब हम उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल केस में देखो क्या था नॉर्मल केस में उसका इनकम 52,500 तो होना ही चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन पाँच परसेंट से इंक्रीज हुआ अगर एक साल बाद भी वो उतने ही गुड्स को खरीदना चाहता है जितना वो पहले पचास हजार में खरीद सकता था तो क्योंकि पाँच परसेंट इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर तो उसकी इनकम फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड होगी तो ही वो उतने गुड्स खरीद पाएगा लेकिन उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है टेन परसेंट से इंक्रीज हुई है मतलब उसको पचपन हजार मिल रहे हैं लेकिन उसकी रियल इनकम ये पांच हजार नहीं है उसकी रियल इनकम ट्वेंटी फाइव ही हंड्रेड है मतलब पांच परसेंट से ही उसकी रियल इनकम इंक्रीज हुई है इन्फ्लेशन वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे तो ये आपका इनकम हो गया ठीक है उसके बाद आता है इन डिफरेंस इकोनॉमिक्स के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है इन डिफरेंस कर्व का ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूं इन कर्व बेसिकली क्या है एन इन डिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन वेरियस क्वांटिटीज दैट प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन मतलब कि यहां पर दो गुड्स का हम एग्जाम्पल लेंगे दो गुड्स का एग्जाम्पल लेंगे और उसके कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे ना तो उससे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा मतलब यूटिलिटी की याद है हमने बात किया था वो आपको सेम मिलेगा ये आप चार्ट देखो ध्यान से ठीक है वाई एक्सेस यहां पर यह दिखा रहा है चॉकलेट को नीचे एक्स एक्सेस है ये दिखा रहा है आपका आइसक्रीम को ठीक है ये जो कर्व आप देख रहे हो ना ये कर्व है इन कर्व

उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे बी पर मिलेगा और उतना ही मुझे C पर मिलेगा। मतलब इस कर्व पर मैं कहीं पर भी रहूं, मुझे कितना ले रहा हूं दो आइसक्रीम ले रहा हूं लेकिन चॉकलेट ले रहा हूं मैं सिर्फ फोर ठीक है तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे दस चॉकलेट और एक आइसक्रीम से मिल रहा था उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे दो आइसक्रीम और चार चॉकलेट से मिल रहा है ठीक है उसी प्रकार से यहां पर अगर पॉइंट सी देखो ये जो सी वाला पॉइंट है जितना सेटिस्फैक्शन मुझे पॉइंट ए पॉइंट बी पर मिल रहा था उतना ही सेटिस्फैक्शन तीन आइसक्रीम और दो चॉकलेट से मिल रहा है तो उस पूरे कर्व में जितना भी है उस पूरे कर्व में जहां पर भी आप पॉइंट रखोगे वहां पर आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा ठीक है तो ये जो कर्व होता है बेसिकली इसी को हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व ठीक है जस्ट एक कॉन्सेप्ट है ध्यान रखिएगा ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर सिलेबस में जो कि आपको पढ़ना चाहिए इसीलिए जस्ट मैं बता रहा हूं इतना ज्यादा प्रेशर अगेन इसके ऊपर लेने की जरूरत नहीं है ठीक है इन डिफरेंस कर्व बस एक ध्यान में रखना कि एक ऐसा कर्व होता है यहां पर कि हर जगह आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम मिलता है अगेन अब फिर से अगर आप पढ़ोगे इस डेफिनेशन को आपको चीजें समझ में आ जाएंगी एंड इन डिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन वेरियस क्वांटिटीज दैट प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू एन इंडिविजुअल कोई भी आप कॉम्बिनेशन लो कॉम्बिनेशन एक

किस तरह से चीज़ें शुरुआत हुई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स वो मैंने आपको बताया था तो वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अब हम आते हैं बेसिक यहां पर जो क्लासिफिकेशन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका मतलब क्या होता है ठीक है कई बार आपने पढ़ा होगा अगर आप थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में जाना होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट सेक्शन ऑफ द इकोनमी एक छोटे से छोटे लेवल पर जब हम जाते हैं तो माइक्रो इसके नाम में ही आ रहा है ना माइक्रो इसके नाम में ही क्या आ रहा है माइक्रो आ रहा है राइट right? एक इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं एक सिंगल फैक्ट्री की जब हम बात करते हैं ठीक है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है ठीक है लेकिन वही मैक्रो मतलब बड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी दैट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ मार्केट एरियाज़ राइट right? तो जब हम बड़े स्तर पर बात करते हैं बड़े चीजों की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो ठीक है अगर मैं कहता हूं कि आप में से आ, कौन है अक्षत या फिर दीपाली ले लो दीपाली कह रही है दीपाली की अगर मैं डिमांड की बात करूं सिर्फ ठीक है दीपाली की अगर मैं डिमांड की बात करूं तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल की हम डिमांड की बात कर रहे हैं राइट लेकिन जब हम बात करते हैं आप सभी लोगों के डिमांड के बारे में तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है जब मैं दीपाली के डिमांड की बात करूंगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की बात आएगी जब मैं पूरे आप सभी के क्लास की बात करूंगा तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आएगी ठीक है कुछ लोगों का कहना है कि क्या आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है यूपीएससी के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं है मी टेल यू टाइम मत वेस्ट करना माइक्रो जो मैंने अभी आप आपको पढ़ाया ना वो कुछ काफी हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था लेकिन अगेन सारी चीजों को हमें कवर करना है कुछ भी छोड़ना नहीं है इसलिए मैं जस्ट आपको एक गो थ्रू करता आया ठीक है मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ही फोकस करना होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट तो यहां पर दे आर माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहां पर जो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एक, एक एक छोटे से छोटे लेवल की जो हम बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में में आता है। लेकिन में जैसा कि आप देख सकते हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम की बात आती है, की जब आती है, जब की बात आती है लेवल की जब आती है, तो वो आपका के अंदर आता है अब माइक्रो अगर आप देखिए individual. गोल्स की जब हम बात करते हैं कंज्यूमर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जब हम बात कर रहे हैं उसके कैसे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं वो लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या है इट इज यूजफुल फॉर मैनेजिंग प्रोडक्ट प्राइसेस जैसे कि मान लो एक अब मैं आपको बताता हूं इसका एक्चुअल यूज क्या होता है एक्चुअल इसका यूज ये है कि जब कोई फैक्ट्री है ठीक है जब कोई फैक्ट्री है यहां पर उसमें उस फैक्ट्री उस के अंदर एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा ठीक है तो उस वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में मान लो जैसे कि पेट्रोल का प्राइस हो गया ये तो पूरे देश की हम बात कर रहे हैं कि देश के अंदर पेट्रोल का प्राइस क्या होगा डीजल का प्राइस क्या होगा तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं ठीक है तो जस्ट आई होप कि आप समझ पा रहे हो जब छोटे इंडिविजुअल लेवल पर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है जब बड़े स्तर पर बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं डिमांड राइट डिमांड की जब हम बात करते हैं सप्लाई की बात करते हैं छोटे स्तर पर वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड डिमांड क्या कहता है डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ थिंग अब यहां पर अगेन इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का कुछ और मतलब होता है ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं जब हम कहते हैं डिमांड है किसी गुड्स का तो डिमांड हम तभी कहेंगे जब किसी की कैपेसिटी है उसको पे करने की मान के चलो ठीक है मान के चलो कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक लग्जरी फरारी की गाड़ी होनी चाहिए फरारी कार होनी चाहिए ठीक है लेकिन क्या फरारी कार को मैं खरीद सकता हूं क्या मैं उसके लिए पैसा देने के लिए रेडी हूं क्या मेरे पास अब कैपेसिटी है नहीं है तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा लेकिन अगर मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं फरारी कार खरीद सकता हूं और उसको खरीदने के लिए वो मैं रेडी हूं पैसा पे करने के लिए रेडी हूं तो ही वो डिमांड कहलाएगी अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगी तो इकोनॉमिक्स के अंदर ध्यान रखना जब हम डिमांड कहते हैं किसी भी चीज़ का तो वेन एन इंडिविजुअल या फिर कंज्यूमर इज रेडी टू पे दैट प्रोडक्ट तो हम उसको डिमांड कहेंगे वॉन्ट तो मेरी कुछ भी हो सकती है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड इकोनॉमिक्स के अंदर हम कहते हैं ना ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड जो भी मैं चाहूँ विश करूँ बैठे बैठे मेरे पास ये होना चाहिए बंगला होना चाहिए गाड़ी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल पे करने की क्षमता आ जाती है तब हम उसको डिमांड कह देते हैं ठीक है तो यह चीज एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है अब यह डिमांड कई सारी चीजों पर डिटरमाइन करता है बहुत सारी चीज पर होगा कई सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे एक होता है, अब उसका क्या है? मैंने आपको बोला ना कि किसी भी चीज का अगर डिमांड अगर कॉस्ट कम है तो उसका डिमांड ज्यादा होगा अगर किसी भी चीज का कॉस्ट ज्यादा है उसका डिमांड कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर डिटरमाइन करेगा कंज्यूमर इनकम कितनी अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा चीजें डिमांड कर सकोगे अगर आपकी इनकम कम है तो आप यहाँ पर डिमांड डिमांड कम 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 करोगे करोगे है तो मॉनिटरी किसी ने लिखा है वॉन्ट डिजायर प्लस मनी मतलब आप डिजायर कर रहे हो यह होना चाहिए प्लस आपके पास मनी है वो डिमांड हो सकता है ठीक है उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिंक एंड जो भी अब मान लो आ, कुछ लोग गाड़ी खरीद सकते हैं जैसे मान के चलो कुछ लोगों के पास कैपेसिटी है कार खरीद लें लेकिन क्या उनके पास उस का, कार को मेंटेन करने की कैपेसिटी है क्या उनके पास उस कार में पेट्रोल और डीजल भराने की रेगुलर बेसिस पर कैपेसिटी है ठीक है तो उसके ऊपर भी डिमांड डिटरमाइन करता है होता है ना कई बार कि एक बार आप गाड़ी तो खरीद सकते हो लग्जरी कार खरीद सकते हो लेकिन उस कार को मेंटेन क्या कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी तो उससे रिलेटेड जो गुड्स है ना उसके ऊपर भी डिटरमाइन करता है पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या आप आ, कार की डिमांड क्या होगी पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड गिर जाएगी क्योंकि लोगों को लगेगा का कार तो हम खरीद लेंगे फिर पेट्रोल भी तो उसके अंदर भराना है तो ये उससे लिंक गुड्स जो होते हैं उसके ऊपर है कि क्या है अगर अचानक पहले हम कुछ और चाहते थे आज कुछ और चाहते हैं। तो उसके ऊपर भी डिटरमाइन है, है। करते हैं ज्यादा बायर्स है तो ज्यादा डिमांड होगा दोस्तों आज दिवाली सेल का आखिरी दिन है साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब स्टडी आईक्यू आपको यूपीएससी कोर्स सबसे कम दाम पर प्रोवाइड करता है तो आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है अगर आप इस कोर्स को अनरोल करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज द कोड अंकित लाइव ताकि सिर्फ 17,500 में ये जो पूरा फाउंडेशन बैच है जिसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाती है वो आप अवेल कर सकते हैं इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं नोट्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है प्रिलिंट सीरीज हो गया और साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी खरीदना है जैसे हिस्ट्री पी एस आई आर सोशियोलॉजी जोग्राफी ये सब भी लाइव ही पढ़ाया जाता है तो यू हैव द द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अवेल दीज ऑफर्स विजिट आवर वेबसाइट एंड ऐप और वहां पर यूज कोड अंकित लाइव ताकि बहुत कम दाम पर आज आप इस कोर्स को ले पाए थैंक यू अब इसी से रिलेटेड यहां पर अक्सर हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है बस सिंपल यही कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा प्राइस घटेगा

उसकी डिमांड है दस जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं अगर मान लो प्राइस सौ से दो सौ हो गया यहां पर बढ़ गया प्राइस तो उसकी डिमांड क्या होगी ये क्वांटिटी दस से घटकर पांच पर आ जाएगी मतलब क्वांटिटी कम हो गई आया समझ में तो ये जो कर्व होता है इसी को बेसिकली हम डिमांड कहते हैं लेकिन याद कीजिएगा मैंने आपको पहले ही बोला था गिफ गुड्स हो गया वो वो लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ देता है वो एक्सेप्शन है कुछ चीजें एक्सेप्शन होती हैं जैसे साइंस में केमेस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कुछ चीजें तो डिमांड वाले में भी एक्सेप्शन है goods, goods. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिमांड कब क्या होता है बस सिंपल सिंपल चीज आई डोंट थिंक कुछ है ही नहीं ये तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन टाइप का ही आप ले लो ठीक है उसके बाद डिमांड में आप अक्सर आप पढ़ते माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का पहले। तो यहां पर और अब क्या कहता है? हैं तो प्राइस में चेंजेस की वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा क्या ज्यादा चेंज होगा कम चेंज होगा कितना चेंज होगा उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी रबड़ होता है ना रबड़ रबर बैंड जब हम उसको फैला रहे होते हैं तो इलास्टिक होता है बहुत टाइट रबर होगा तो ज्यादा नहीं एक्सपैंड होगा लूज रबर होगा तो ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा ठीक है तो वो इलास्टिसिटी होता है इलास्टिसिटी एक्सप्लेन्स द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू तो गिवन, गिवन चेंज इन प्राइस ठीक है अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम थोड़ा देखें तो जैसे मान लो कोई ऐसा गुड्स है जिसकी आवश्यकता आपको उतनी नहीं है कोई ऐसा गुड्स है जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है आ, उतनी मान लो कार का एग्जाम्पल ले लो ठीक है पहले कार का प्राइस दस, दस लाख रुपए था अचानक से उस कार का प्राइस लाख रुपए हो गया तो सोचिए क्या होगा जैसे ही प्राइस दस लाख से पंद्रह लाख होगा डिमांड बहुत कम हो जाएगी काफी कम हो जाएगी अगर दस लाख रुपए कार का प्राइस था और हजार गाड़ी लोग डिमांड करते थे थाउजेंड कार लोग डिमांड करते थे ठीक है लेकिन अगर उस कार का प्राइस पंद्रह लाख हो गया तो अचानक से हो सकता है हजार कार से डिमांड गिर कर 500 कार सौ कार तक आ जाए क्यों क्योंकि उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है लेकिन वेजिटेबल मान लो वो तो खाने पीने की वस्तुएं हैं अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या आप एकदम कम कर देते हो खाना पीना नहीं करते हो कैसे जैसे आप गुजारा कर नहीं कुछ ना कुछ पैसा जुगाड़ करते हो कैसे भी करते हो तो आप उसको कंज्यूम करते हो तो यहां पर आप समझो हो क्या रहा है इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है इस केस में गाड़ी वाले के केस में कि अचानक से कम ज्यादा हो जा रहा है इलास्टिसिटी है लेकिन वेजिटेबल के केस में सॉल्ट का केस ले लो नमक का अगर प्राइस बढ़ जाता है अचानक से तो क्या आप खाने में कम नमक डालोगे नहीं डालोगे आप फिर भी डिमांड करोगे ना उसकी तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है ठीक है तो इलास्टिसिटी आई होप कि आप समझ गए और इसके बाद मैंने आपको जो बताया था कि एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे वेबल गुड्स के बारे में हमने बात किया था ठीक है नॉर्मली क्या होता है जब गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होता है गुड्स uh, का प्राइस इंक्रीज होता है सॉरी तो डिमांड यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है गुड्स का प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा लेकिन वेबलैन गुड्स के केस में क्या था कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था और डिमांड भी आपका इंक्रीज हो रहा था तो ये एक्सेप्शन केस हो जाता है रिमेंबर हाई क्वालिटी जो गुड्स होते थे वेबलैन इसी प्रकार से गिफेन गुड्स वाला भी केस हो गया राइट आ, अभी मैंने बताया था कि कोई पूछ रहा है व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी फॉर पेरिशेबल गुड्स पेरिशेबल गुड्स की इलास्टिसिटी बहुत कम होगी और जो कार जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि प्राइस के थोड़ा सा भी चेंज होने से उसका डिमांड गिर जाता है ठीक है तो ये तो हमने बात कर लिया डिमांड के बारे में नेक्स्ट है सप्लाई जिस तरह से डिमांड था सप्लाई जस्ट उल्टा हो जाए सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट अ सेलर जो बना रहा है मैन्युफैक्चर कर रहा है जो सेल कर रहा है वो सप्लाई होता है आप खुद सोच के देखो एक चीज कि अगर आप ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो बना रहे हो एक पेन बना रहे हो और उस पेन के लिए आपको पांच रुपए मिल रहा है एक पेन बनाने के लिए जब आप सेल कर रहे हो आपको उससे पांच रुपए मिल रहा है तो आप सोचो कि चलो मुझे पांच रुपए मिल रहा है थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है मैं हजार पेन प्रोड्यूस कर लेता हूँ ठीक है लेकिन जैसे ही मार्केट में इस पेन का प्राइस इंक्रीज हुआ पेन का प्राइस हो गया आठ रुपये दस रुपे. तो आपको लगेगा ना कि यार अब तो मुनाफा ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट तो और मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसा तो क्या होता है की केस में? जैसे, जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे प्राइस बढ़ रहा था लोग डिमांड कम कर रहे थे लेकिन सप्लाई के केस में यहां पर वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं डिमांड के केस में ये डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन सप्लाई केस में प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा प्राइस गिरेगा तो सप्लाई भी यहां पर गिर जाएगा जब आपको मुनाफा बहुत कम हो रहा है तो आपको लग रहा है मैं इतनी मेहनत क्यों करूं इसमें तो सप्लाई यहां पर कम हो जाएगा लोग दूसरा कोई चीज प्रोड्यूस करने लग जाएंगे आई होप कि आप समझ रहे हो इस चीज को कि सप्लाई और डिमांड में बेसिकली अंतर क्या आ रहा है लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है जिस तरह से लॉ ऑफ डिमांड है वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे डिमांड कर्व क्या था डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है यहां पर अगेन आप देख सकते हो जब प्राइस आपको पांच रुपए मिल रही थी पेन की तो आप यहाँ पर हजार पेन प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ ये दस रुपए हो गया प्राइस पी टू पे आ गया तो अब आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो ये आप देखिए ये अब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं हजार के दो हजार हजार के बजाय अब आप दो हजार प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा मुनाफा हो रहा है आप और मेहनत करेंगे ये इकोनॉमिक्स होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इकोनॉमिक्स आपको डेली लाइफ में मदद करता है राइट उसी प्रकार से जब और मान लो दस रुपए से पंद्रह प्राइस हो गया आप और मेहनत करना चाहेंगे और और कमाना चाहेंगे और इसलिए यहाँ पर अब आप तीन प्रोड्यूस कर रहे हैं इसी तरह से ये ये इसीलिए इसका ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है राइट सो दिस इज सप्लाई कर जिस तरह से डिमांड कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उसी प्रकार से सप्लाई भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिटरमाइन करता है जैसे प्राइस क्या है मैंने आपको पहले बताया प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगा कॉस्ट क्या है उसका न... न... मतलब जाहिर सी बात है ना कि अगर मान लो लागत कम लग रही है कॉस्ट कम लग रहा है मुझे कोई चीज पेंट प्रोड्यूस करने का मैं सप्लाई ज्यादा कर सकूंगा कॉस्ट मेरा बहुत ज़्यादा आ गया तो मैं उतना सप्लाई नहीं कर पाऊंगा ठीक है नेचुरल कंडीशन क्या है ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन क्या है क्या मैं जो गुड्स पेन प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्या ये पेन मेरा दिल्ली से मुंबई पहुंच पाएगा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं राइट उसी प्रकार से टैक्सेशन पॉलिसीज़ क्या है सरकार बहुत टैक्स तो नहीं लगा रही है बहुत टैक्स लगा रही है तो मैं मेरा मुनाफा कम होगा मैं उतना प्रोड्यूस नहीं करूंगा राइट तो इसी प्रकार से प्रोडक्शन टेक्निक फैक्टर प्राइसेस इन देयर अवेलेबिलिटी प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स अच्छा यहाँ पर रिलेटेड गुड्स की बात आई है तो अगेन एक चीज मैं आपको बता दूँ मैंने दो चीज अभी आपको बताया ना डिमांड और गुड्स के बारे में तो यहाँ पर आ, आपने सुना होगा सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में क्या होता है सब्सटीट्यूट गुड्स uh, क्या होता है सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब है कि आप एक गुड्स के बजाय दूसरा गुड्स यूज कर लो अभी जब ब्रेक हुआ था तो बाहर जाकर मैंने देखा कि मुझे कॉफी चाहिए था कॉफी नहीं मिला तो सब्सटीट्यूट क्या है कॉफी का टी है तो मैंने चाय पी ली तो यही होता है सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब टी एंड कॉफी सब अब हो सकता है किसी के लिए ना हो अब हो सकता है मुझे कॉफी पीना है तो कॉफी पीना है। हो सकता है किसी के लिए ना हो ये सब्सटीट्यूट टी तो ये टी हो गया राइट तो ये सबस्टिट्यूट गुड्स होता है अगेन अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल अगर आप लोग यहां पर ठीक है मैं मान लो कॉफी पीता रहता हूं मान लो कॉफी पिया अगर मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो मेरे लिए तो कॉफी महंगा हो गया ना तो मैं क्या करूंगा मैं अपना शिफ्ट कर लूंगा मेरा जो डिमांड है वो कॉफी से शिफ्ट होके वो टी की तरफ धीरे धीरे जाने लगेगा क्यों क्योंकि कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ध्यान रखिएगा जब यहां पर गुड्स सब्सिट्यूट गुड मतलब कि मैं कॉफी पीता हूं मेरे लिए सब्सिट्यूट गुड्स कौन सा है टी है ठीक है तो जब यहां पर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस मान लो टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मैं फिर से कॉफी की तरफ जाऊंगा लेकिन अगर मान लो टी का प्राइस कम हो रहा है टी का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कॉफी की तरफ जाऊंगा अगर टी का प्राइस गिर रहा है तो मुझे लगेगा तो टी मेरे लिए सस्ती हो गई है तो मैं कॉफी से शिफ्ट होकर टी पर आ जाऊंगा

तो यहां पर अगर मैंने आपको पहले ही बोला पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है इसका कार उसका डिमांड क्या होगा गिर जाएगा क्योंकि पेट्रोल बढ़ रहा है ना मुझे तो यही लगेगा कि अगर मैं कार खरीद ली आज के डेट में तो मुझे तो बहुत ज्यादा पेट्रोल का प्राइस पे करना होगा वो कौन भरवाएगा सी एन जी भरवाएंगे हाँ ठीक है वो भी कर सकते हैं राइट <laughs> right, तो ये चीजें हमें समझना है कॉम्प्लीमेंट्री तो गुड्स के केस में भी क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर वो इंपैक्ट करते रहते हैं और उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक कार सब आ रही है सब कुछ है ठीक है बट आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो गए यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसके बाद जो मैं सप्लाई की बात कर रहा था सप्लाई बहुत सी चीजों पर डिटरमाइन करती है उसी प्रकार से जिस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होता है ठीक है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ अट्रिक दैट क्वांटिफाइज हाउ सेंसिटिव अ क्वांटिटी इज टू अ चेंज इन प्राइस ठीक है वही सेम चीज है डिमांड में जिस तरह से चेंजेस आ रहे थे अगर प्राइस इंक्रीज प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड पर क्या इंपैक्ट आ रहा था उसी प्रकार से सप्लाई के अंदर भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगेन मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं जाऊंगा लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड कंपटीशन तो मैंने आपको क्या बोला डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग होता है जहां पर दोनों मीट करते हैं ये डिमांड कर्व कर्व हो हो गया ये हो गया ये सप्लाई जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं ये क्या हो गया ये इक्विलिब्रियम हो गया इसी को मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं तो सप्लायर तो चाहेगा ना वो बहुत सारा सप्लाई करे और प्राइस बढ़ता जाए और सप्लाई करे राइट और यहां पर जो डिमांड है जो कंज्यूमर है वो क्या चाहेगा प्राइस कम हो और वो डिमांड ज्यादा करता रहे राइट right. लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में जाकर मीट करेंगे एक ऐसा समय आएगा जहां पर वो मीट कर जाएंगे सप्लायर कहेगा कि हाँ ठीक है हम बारह रुपए में ये पेन प्रोड्यूस हम करने के लिए तैयार हैं जो कंज्यूमर है वो भी कहेगा चलो रुपए में हम भी खरीदने के लिए तैयार हैं तो वो जो सिचुएशन होती है उसी को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम सो इट इज एन आइडियल सिचुएशन अगेन ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम इक्विलिब्रियम एक, कहते हैं ये आइडियल सिचुएशन है इकोनॉमी कभी भी आपका इक्विलिब्रियम में नहीं रहती हमेशा उसमें टसल चलता रहता है मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भी में है अचानक से कुछ कोई और डिमांड हाँ कर रहा हूं, मैं ये गुड्स कर रहा हूं। आ, और एंड तो अब हम आते हैं कंपटीशन के बारे में जब हम मार्केट की बात करते हैं मार्केट में आपको है कई प्रकार के कॉम्पिटिशन होते हैं राइट आपने सुना होगा इसके बारे में परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट मोनोपोली इम्परफेक्ट मार्केट ठीक है एक-एक करके हम इसको समझेंगे सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है इसका मतलब वहां पर बायर्स एंड सेलर्स आर हाई नंबर्स एंड सो प्रोडक्ट्स हैव मेनी सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब यह है कि आप एक ऐसे मार्केट में जाकर अपना गुड सेल कर रहे हो जहां पर आपके आसपास बहुत सारे सेलर्स हैं जैसे कि सब्जी मंडी सबसे अच्छा एग्जांपल है आई डोंट नो अब आप जाते हो कि नहीं बचपन में मैं तो बहुत गया हूँ और सब्जी मंडी में हम मुझे तो याद है कि लगातार से सब्जियों की दुकान होती है एजेंटेड बहुत सारी सब्जियों की दुकान होती है अब भिंडी लेना है लौकी लेना है जो भी कुछ लेना है तो वहाँ पर क्या होगा जो सस्ता मुझे देगा मैं ले लूँगा क्योंकि सबके प्रोडक्ट्स लगभग सेम हैं लगभग लगभग सबके प्रोडक्ट सेम होते हैं तो जो मुझे सस्ता दे देता है उससे मैं वो सब्जियां ले लेता हूं तो वो पर परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट है जो सब्जी मंडी है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है राइट right? तो उसी को परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहते हैं जहां पर गुड्स एकदम सेम होते हैं लगभग लगभग सेम होते हैं ठीक है जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया सोप हो गया कार हो गया, कई तरह के मार्केट हो सकते हैं अब कार में अलग अलग ऐसे एग्जांपल आते हैं आप कह सकते हो लेकिन यहां पर भी जैसे कि गाड़ियों का अगर मैं आपसे एग्जांपल दू आजकल वो क्या चल रहा है क्रेटा हो गया और उस तरह की आजकल बहुत गाड़ियां आ गई ना मारुति भी विटारा हो कौन कौन सी गाड़ी लेकर आई थी राइट तो आजकल के वो सेगमेंट में बहुत कॉम्पटिशन हो गया उस वाले सेगमेंट में तो हर कोई प्राइस के ऊपर फोकस कर रहा है हाँ। गाड़ी का नाम लेते ही सब चालू हो गए अलग अलग राइट ठीक है तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो गया बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए समझ में मोनोपोली अगेन वेरी सिंपल मतलब जहां पर सिंगल सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में क्या था बहुत सारे सेलर थे सब लोग लगे हुए अपना सामान बेचने के लिए ठीक है लेकिन मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर होता है और भारत में एग्जाम्पल क्या है इंडियन रेलवे सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कोई और एग्जाम्पल आप बता सकते हो मोनोपोली का कोई और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं एस कैसे हो जाएगा देखो डिफेंस एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे एच था अभी भी है वैसे हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड आ, फाइटर जेट्स वगैरह तेजस जो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन अब सरकार धीरे धीरे उसको भी ओपन कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स चाहती है शामिल हो लेकिन हाँ एक तरह से आप कह सकते हो कि वो इस समय भारत के अंदर मोनोपोली है ठीक है वही प्रोड्यूस करता है आर चलो वो तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया ऐसे तो प्रधानमंत्री भी मोनोपोली है ऐसे तो कुछ भी कह लो आई रेलवे का एग्जाम्पल हो गया इसरो इसरो भी कह सकते हैं लेकिन अभी अभी जस्ट प्राइवेट के लिए वो भी ओपन हुआ है ठीक है लेकिन हाँ इसरो एक प्रकार से स्पेस एजेंसी के सेक्टर में आप कह सकते हैं ठीक है कुछ लोग एप्पल वगैरह का एग्जाम्पल दे रहे थे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, है, है। तो यहां पर, पर एक और कंपटीशन है एक तो आपको मोनोपोली समझ में आ गया एक सिंगल सेलर है ठीक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि यहां पर हियर मेनी फॉर्म ऑफर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर सिमिलर बट नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट आप समझो इसका मतलब क्या है जैसे मैकबुक यहां पर कुछ लोग एप्पल की बात कर रहे थे ठीक है एप्पल एप्पल की जब आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि Apple कुछ ऐसी चीजें आपको देता है जो और कोई नहीं देता एप्पल जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपको देता है जो लोग यूज करेंगे ही करेंगे जो जिसको यूज करना है वो एप्पल का ही प्रोडक्ट यूज करेगा उसको और कहीं मिलेगा ही नहीं वैसा प्रोडक्ट ठीक है तो वो आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में आ गया मतलब एक प्रकार की मोनोपोली है लेकिन मोनोपोली है नहीं समझो एक प्रकार की मोनोपोली है लेकिन मोनोपोली नहीं है ठीक है क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट कोई बनाता ही नहीं फोन फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज यस स्टडी आई कह सकते हैं हम जो चीज़ ऑफर कर देते हैं जिस रेट पर जो चीज़ें ऑफर आपको कर रहे हैं वो नहीं देता है कोई राइट right?

जो है बहुत सारे बायर्स हैं उसके अंदर सेलर बहुत कम है जैसे एक टेलीकॉम मार्केट हो गया एयरटेल आज के डेट में तो कितने बचे हैं एयरटेल है जियो है, है वोडाफोन बचा है सरकारी एम और बी बचे हैं बस और कोई है ही नहीं ओलिगो है सेलर्स थोड़े हैं एक नहीं है लेकिन थोड़े हैं इसी प्रकार से आप एयरलाइन सेक्टर में देख सकते हैं थोड़े सेलर्स हैं राइट right. तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा इसको हम ओलिगोपोली कहते हैं उसी प्रकार से मोनोप्सोनी हो गया मोनोप्सोनी में एक यहां पर आप ध्यान समझिए यहां पर बायर एक होता है मोनोपोली में क्या था मोनोपोली में आपका सेलर एक था लेकिन मोनोप्सोनी मोनोप्सोनी में बायर एक ही होता है अब कई लोग सोचेंगे बायर कौन हो सकता है कि डिफेंस के प्रोडक्ट हो गए डिफेंस हो गया आप डिफेंस मान लो टैंक बनाया जा रहा है मिसाइल बनाई जा रही है आप खरीदोगे मिसाइल को नहीं खरीदोगे ना कौन खरीदेगा सरकार खरीदेगी आर्मी के लिए खरीदा जाएगा तो सरकार सिंगल बायर है तो उसको हम मोनोपोनी कहेंगे आ, इसको जस्ट गो थ्रू करना है रिवाइज करना है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस थ्रू दिस चार्ट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा आ, फीचर्स क्या क्या हैं डिफरेंट मार्केट्स के ठीक है तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली चीजें हो गई उसी प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ें आती हैं माइक्रो में यहाँ पर हम स्टॉक और फ्लो की बात करते हैं देखो स्टॉक और फ्लो क्या होता है यहाँ पर मे बी मे बी शायद कुछ क्वेश्चन आ सकता है मुझे कम चांसेस लगते हैं लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में स्टॉक क्या होता है वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फ्लो क्या होता है यहाँ पर वो चेंज होता रहता है ठीक है फ्लो फ्लो जैसे रिवर हो गया ना रिवर का फ्लो होता है चलता जा रहा है चलता जा रहा है रुक नहीं रहा नहीं है स्टॉक में क्या है आपने एक खरीद कर स्टॉक कर, कर लिए रख दिए तो वो आपका स्टॉक के अंदर आएगा तो जैसे कैपिटल हो गया मैं कह रहा हूं आपने एक लाख रुपए कैपिटल लगाए एक लाख रुपए कैपिटल लगाए का मतलब क्या है एक लाख रुपए कैपिटल लगाने का मतलब वो स्टॉक में आता है वेल्थ आपके पास दो करोड़ की वेल्थ है इसका मतलब क्या हुआ दो करोड़ की वेल्थ है मतलब आ, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर आया इनवेंट्री का मतलब होता है जैसे मान लो गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही है 2021 में 100 गाड़ी प्रोड्यूस हुई थी लेकिन 80 गाड़ी बिकी और 20 गाड़ी बच गई तो वो इन्वेंट्री में आता है तो 20 क्या है एक टर्म है जो चीजें फिक्सड होती हैं वो स्टॉक कॉन्सेप्ट में आती है फ्लो यहां पर जैसे फ्लो में एग्जाम्पल आप देख सकते हो इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड इनकम इस महीने इस ये इनकम थी दूसरे महीने दूसरी इनकम हुई तीसरे महीने तो इनकम क्या है ये फ्लो कॉन्सेप्ट है ये ये चलता जा रहा है ये फिक्स नहीं है उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर जब मैं यूज करता हूँ एक्सपेंडिचर तो हर महीने एक्सपेंडिचर चलता जाएगा इन्वेस्टमेंट हो गया बढ़ता जा रहा है दीज दे, आर फ्लो कॉन्सेप्ट जैसे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको एक आइडिया होना चाहिए स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन ये फिक्स्ड होता है यहाँ पर टाइम जब मैं फ्लो की बात करता हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूँ टाइम की बात कर रहा हूँ 2021 से लेकर 2025 के बीच में 2015 से लेकर 2020 के बीच में तो इसकी हम बात कर रहे हैं ये था आपका दोस्तों आज पहला जो चीज़ें थी जो पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन था एक प्रकार का आपको एक एक कंफर्ट पोजीशन पर लाने की मेरी कोशिश थी इस वीडियो के अंदर कि इकोनॉमिक्स में आप कंफर्ट हो सके लेकिन इसको खत्म होने से पहले चीजें अधूरी रह जाएंगी अगर को देख के। तो, बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं क्या आंसर होगा भाई बताओ ये आया था ना 2018 का है इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन व्हाट अभी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में इतना बड़ा आपको पूरा बताया एक्सप्लेन किया तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट ये क्वेश्चन को समझने की जरूरत है बहुत अच्छे से कोई ऐसी चीज है जो सरकार आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही है जो पब्लिक को फ्री में प्रोवाइड कर रही है उस केस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा अब खुद सोच के देखो थोड़ा सा जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो एग्जांपल के तौर पर सोचो सरकार क्या आपको फ्री देती है सरकार आपको क्या फ्री दे सकती है पार्क देती है पार्क होता है ना पार्क बनवाती है आपके लिए आप फ्री में यूज करते हो पार्क को राइट right? अब हो सकता है दिल्ली में आप रह रहे हो तो वाटर फ्री मिल जाए कुछ हद तक हम्म hmm? तो बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री में सरकार दे सकती है और इसलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा एक एक करके हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए that is the opportunity cost is zero क्या आपको लगता है क्योंकि बहुत लोगों ने मैंने देखा कि ए आंसर भी कर रहे थे ए आंसर कैसे हो सकता है जस्ट इमेजिन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो नहीं हो सकता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था अगर मान लो सरकार अगर पार्क बनाने में खर्चा कर रही है दो लाख रुपए तो दो लाख का कहीं और भी तो इस्तेमाल कर सकती थी सरकार उसका अपर्चुनिटी कॉस्ट तो है ना कुछ तो है दो वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो दो लाख का पार्क बना बजा, बनाने के बजाय सरकार उसका राशन फ्री में किसी को दे सकती थी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नहीं होगा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर अगेन ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है इग्नोर का मतलब क्या है नथिंग मतलब इसमें कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर कर दो क्यों इग्नोर कर दो हर चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हम इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं नहीं कर सकते तो अगेन पहले दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा मैं सी वाले स्टेटमेंट पर आऊंगा लेकिन पहले यहां पर डी वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं ये कह रहा है है द द द कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑफ प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट अब समझो यहां पर क्या क्वेश्चन में कह रहा था इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी आपको कोई प्रोडक्ट फ्री में दे रही है ठीक है तो जब आपको गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट फ्री में दे रही है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर क्या कंज्यूमर से गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा नहीं गवर्नमेंट में कैसे ट्रांसफर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हो सकता क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट किसके लिए खर्च कर रही है कंज्यूमर्स के लिए खर्च कर रही है आपके लिए खर्च कर रही है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंज्यूमर के पास ही रहेगा इसीलिए जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक अब समझो जो सरकार खर्च कर रही है आपके ऊपर वो पैसा सरकार के पास कहां से आया वो पैसा सरकार के पास आया टैक्स पेइंग पब्लिक के तरफ से जो लोग टैक्स पे किए जो लोगों ने इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स इतना सारा टैक्स जो है वो जमा किया था सरकार के पास आया समझ में तो हो सकता था सरकार जो है उस पैसे का टैक्स पेइंग पब्लिक के लिए इस्तेमाल कर ले कहीं और इस्तेमाल कर सकती थी तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर्स जो कंज्यूमर्स हैं जो इस पार्क का इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने जो एग्जाम्पल बताया आपको पार्क का जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पार्क का वहां से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्योंकि मान लो मैं टैक्स पे कर रहा हूं और मैं पार्क इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं ठीक है तो हो सकता था कि मैं अगर वो टैक्स नहीं पे करता तो मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेता उसका तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली आपका आ, आ, जो है कंज्यूमर से शिफ्ट हो जाता है किधर इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू टैक्स पेइंग पब्लिक थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है लेकिन अगेन ये सारी चीजें आप तभी सॉल्व कर पाओगे दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हो सकता है ये yes, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया यस यू आर राइट सी आंसर दिया था बहुत से लोगों ने लेकिन बहुत से लोगों का गलत आंसर भी था ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही आंसर होगा

बाकी चीजें कांस्टेंट हैं उस सब को छोड़ देते हैं लेकिन मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज किसी भी गुड्स का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकता है इफ इन इन व्हाट कंडीशन चार में में से से कौन कंडीशंस मार्केट डिमांड किसी भी गुड्स का इंक्रीज हो सकता है लेट मी नो ये आई थिंक सिंपल है इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना चाहिए एंड आई थिंक बहुत से लोग राइट right आंसर इसका दे रहे हैं यस yes. ये बहुत ही लॉजिकल है ठीक है इसको मैं हम देख लेते हैं बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है एंड बस जल्दी आपको फ्री कर दूंगा मैं तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये ये पहला स्टेटमेंट क्या है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस मान लो मैंने आपको बताया ये गुड़ क्या है गुड़ को मैंने मान लो टी ले लिया एक चाय है ठीक है इसका सब्स्टिट्यूट कौन सा था कॉफ़ी था अगर कॉफी का इंक्रीज होता जा रहा है प्राइस जो सब्सिट्यूट गुड्स है कॉफी उसका प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है तो टी का डिमांड क्या होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो पहला क्या हुआ इट इज करेक्ट जो टी का डिमांड है ये गुड का डिमांड क्यों इंक्रीज हो रहा है टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है टी का प्राइस उतना का उतना ही है दस रुपये था दस ही रुपए लेकिन क्योंकि कॉफी का प्राइस दस से पंद्रह रुपए हो गया तो लोग अब कॉफी ना कंज्यूम करके टी को ही और कंज्यूम कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर इसका डिमांड बढ़ जाता है तो पहला स्टेटमेंट तो चलो सही है दूसरा क्या है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इस केस में क्या डिमांड इंक्रीज होगा नहीं होगा यहां पर मैंने आपको क्या बोला कार और पेट्रोल का प्राइस बताया था पेट्रोल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कार का डिमांड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो जब प्राइस इंक्रीज होता है कॉम्प्लीमेंट compliment... गुड्स का तो क्या गुड इंक्रीज हो रहा है इसका गुड्स का डिमांड कार का डिमांड इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है तो सेकेंड स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग हो जाता है तीसरा द द गुड गुड इज एन एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर मैंने आपको पहले ही बोला था गुड्स के केस में याद करिएगा वो इंफीरियर गुड्स होता है लो क्वालिटी गुड्स होता है मैंने आपको उस समय क्या बताया था जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप ब्रेड से किधर शिफ्ट कर रहे हो ब्रेड से आप रोटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो ब्रेड का डिमांड क्या हो गया कम हो गया तो द गुड इज एन इंफीरियर गुड अगर कोई ऐसा गुड है जैसे ब्रेड हो गया वो इंफीरियर गुड है लो क्वालिटी गुड है तो उस केस में अगर कंज्यूमर का प्राइस कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो उस केस में वो ब्रेड को छोड़कर रोटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब ब्रेड का डिमांड क्या हो रहा है कम हो रहा है तो यहां पर पूछ रहा है कि डिमांड इंक्रीज होना चाहिए तो अगेन थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा गॉट इट एंड फोर्थ वाला है इट्स प्राइस फॉल्स ये तो बहुत सिंपल है जैसे किसी भी गुड्स का प्राइस फॉल होगा उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो ये 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों सोचिए एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट विल बी राइट एंड हेंस फोर्थ योर आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट इज 1 एंड 4 आई होप दिस वाज वेरी वेरी सिंपल आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी दोस्तों आज दिवाली सेल का आखिरी दिन है साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब स्टडी आईक्यू आपको यूपीएससी कोर्स सबसे कम दाम पर प्रोवाइड करता है तो आज रात बारह बजे तक आपके पास टाइम है अगर आप इस कोर्स को अनरोल करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज द कोड अंकित लाइव ताकि सिर्फ 17,500 में ये जो पूरा फाउंडेशनल बैच है जिसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाती है वो आप अवेल कर सकते हैं इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं नोट्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है प्रिलिंट सीज हो गया और साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी खरीदना है जैसे हिस्ट्री पी सोशियोलॉजी जोग्राफी ये भी लाइव ही पढ़ाया जाता है तो यू हैव द द बेस्ट टू अवेल विजिट आवर वेबसाइट एंड और वहाँ पर यूज़ कोड अंकित लाइव ताकि बहुत कम दाम पर आज आप इस कोर्स को ले पाए थैंक यू तो ये तो लास्ट जैसा कि आपको पता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लो एंड uh, यहां पर देखिए लिखना है पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है विद इंपैक्ट ऑफ प्राइस राइस इनफीरियर एंड लग्जरी गुड्स नेसेसिटीज तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना विद इंडियन इकॉनमी ब्रिंग आउट द इंपैक्ट ऑफ प्राइस राइज ऑन इंफीरियर एंड लग्जरी गुड्स एंड नेसेसिटीज तो ये आपको कंप्लीट करना है मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं बताऊंगा बाद में कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन आप इसका जो आंसर है वो दिए गए ईमेल आईडी पर डेफिनेटली सेंड कर दीजिएगा चलो डाउट्स भी पूछ लो देख लेते हैं इशिता शर्मा हेलो सर गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग इशिता इज इट राइट हाँ बताओ इशिता uh, okay. ठीक है ठीक है शी इज आस्किंग की थर्ड वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने को जल्दी से कर देते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन की डिमांड देखो क्वेश्चन की डिमांड थी की यहां पर कौन से केस में गुड का डिमांड इंक्रीज होगा आपको यह देखना है कि कौन से केस में गुड्स का डिमांड इंक्रीज होगा तो यहां पर क्या है द गुड इज एन इंफीरियर गुड एक ऐसा गुड जो कि इंफीरियर गुड है लो क्वालिटी गुड है मैंने आपको बताया था एग्जांपल दिया था गिफेन गुड्स के बारे में जैसे कि यहां पर एग्जांपल होता है आ, ब्रेड का और हम इसको कंपेयर करते हैं व्हीट से

रमेश सिंह से लेकर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मार्केट में बट आप पास टाइम है आपको सब कुछ इंक्लूड करके दे दी जाए तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं अदरवाइज होने को तो बुक्स क्या करोगे इतना मैं बार बार यही सजेस्ट करता हूँ आपको फोकस करना है जितना चीजें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, नोट्स हैं आपके अभी तो इतने सारी चीजें आपको कवर करनी है तो क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो बाकी चीजों में ठीक है सो थैंक यू सागर सागर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज कर जाता है बट इसका रिवर्स होता है डिमांड इंक्रीज करने पे प्राइस भी तो डिक्रीज कर जाता है सर हाँ ठीक है इंक्रीज कर जाता है देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड गिर जाएगा yes, sir. और प्राइस yes, डिक्रीज होगा डिमांड ऊपर चला yes, sir. जाएगा सिंपल yes, है ना मतलब but, उस... हाँ yes, sir. but, एक, एक केस ये है कि अगर किसी भी आइटम का डिमांड बहुत ज्यादा होता है उस हुँ. केस में सर तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है जा, किसी, भी, किसी भी किसी भी डिमांड का किसी भी आइटम को अगर डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में हाँ, हाँ, तो वो उसके प्राइस को भी इंक्रीज कर देता है हाँ होगा ही ना वो तो सिंपल सा चीज है ये तो मार्केट में ये याद है मैंने इक्विब्रियम का कॉन्सेप्ट अभी बता रहा था ये फोर्सेस काम करते हैं मार्केट में ऑटोमेटिक एक टसल चलता रहता है पर जैसे मान लो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया ठीक है अब जैसे ही डिमांड डिमांड बढ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो, तो कि किसी, किसी का प्राइस था किसी पेन का वो उसका प्राइस मान लो बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है पांच से वो दस की तरफ गया प्राइस ठीक है तो डिमांड सौ पेन से पचास पेन पर आ गया लेकिन जैसे ही डिमांड कम हुआ तो पता चला कि मार्केट uh, में पेन की सप्लाई बहुत चल रही है तो उस केस में वापस से वो ऊपर जाएगा मतलब ये ऊपर नीचे चलता रहता है हमें जस्ट क्या फोकस करना है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड कम होगा और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड ऊपर चला जाएगा बस उतना छोटा सा चीजें फोकस करो और बाकी मार्केट फोर्सेज में काम चलती रहती है ठीक है हाँ फिर से बताना सागर क्या बोल रहे हो हाँ बताओ

sometimes the government uh, uh, imposes some taxes on wheat and uh, rice. for um, that, uh, india can export some wheat or rice to uh, foreign. Uh, but uh, that uh, gives burden to the farmers. Uh, is it good for uh, them? दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज़ अनदर टॉपिक अनदर कॉन्सेप्ट ये ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब लोग सुनते हैं क्या एवरी वन हाँ तो रीतम वॉट यू आर आस्किंग की गवर्नमेंट जब टैक्स लगा रही है तो क्या वो सही है गलत है वो तो अलग वो तो पॉलिसी का क्वेश्चन है राइट right? वो तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी टैक्स लगा कितना लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए वो तो गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी दैट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर वो सही गलत वो एक अलग चीज़ें हो जाती मैं उसमें जाना भी नहीं चाहूँगा अभी इस समय ठीक है ना अभी तो हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में ठीक है अब हो सकता है अब जाहिर सी बात है जब टैक्सेस लगाती है सरकार जैसे अभी देखा होगा कि वीट के ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया था और अभी मैंने राइस का ही एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पर राइस में क्या किया था सरकार ने कई सारा कस्टम ड्यूटी लगा दिया बहुत सारा तो बेसिकली वो सरकार का अलग मोटिव होता है सरकार का कहना है कि अगर हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो बहुत सारा राइस जो है वो देश के बाहर चला जाएगा जिसकी वजह से हमारे देश में प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको रोकने के लिए सरकार वो सब डिसीजन लेती है लेकिन वो एक अलग पूरा मामला है हम उसमें अभी नहीं जाएंगे अभी तो हम बहुत बेसिक चीजें आज कर रहे हैं ठीक है रीतम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ रीतम बताओ और कुछ कह रहे थे And वो वो YouTube पे एक बार चेक कर लेना मैंने बताया था अभी जस्ट बताया था रिसेशन, रिसेशन क्वार्टर तक लगातार अगर दो क्वार्टर तक लगातार अगर नेगेटिव में जाती है जीडीपी जैसे कोविड में हुआ था ना माइनस ट्वेंटी फोर परसेंट चला गया था और फिर अगला ही क्वार्टर में माइनस सेवन एट परसेंट गया था तो दो क्वार्टर में लगातार नेगेटिव में चले गए थे वो टेक्निकल रिसेशन आ जाता है और ये नेगेटिव लगातार और चलता रहता है अगले कई क्वार्टर तक तो वो डिप्रेशन में चला जाता है ठीक है डिप्रेशन एक ही बार आया था ग्रेट डिप्रेशन हम कहते हैं वो आया था नाइनटीन थर्टीज में ठीक है okay, okay, okay. You, हाँ. अंकित मोहराना हेलो सर हाँ इट yes, हाँ. अंकित मॉर्निंग मॉर्निंग अंकित टेल मी योर क्वेश्चन आपने, आपने जो, जो, जो बोला जो सब्सिट्यूट प्राइस सब्सिट्यूट डिमांड सॉरी सर सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट जो जो टर्म यूज किए थे उसके बारे में थोड़ा एक बार बता देंगे सर सब्सिट्यूट कमोडिटी एंड उसके जो टी एंड कॉफी को लेकर बोला था तो जो एग्जांपल भी दिया था एक प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट इंक्रीजेस उसके बारे में थोड़ा ठीक है तो सब्सिट्यूट बेसिकली जब हम कहते हैं ना तो, प्राइस तो

हाँ, सर हाँ, उसके जो प्राइस, प्राइस में जो आपने जो, जो एग्जांपल दिया जो क्वेश्चन बुक बनाए थे यहाँ पर भी शो कर रहा है उसके बारे में थोड़ा ठीक है तो प्राइ, प्राइस प्राइस इसमें ये कह रहा है देखो पहला वाला अगर स्टेटमेंट देखोगे यहाँ पर ये लिखा है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस तो मेरे लिए सब्सटीट्यूट कौन सा था कॉफी था मैंने अभी बताया ठीक है तो यहां पर लिखा है प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट इंक्रीजेस मतलब कॉफी का प्राइस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो जैसे जैसे कॉफी का प्राइस इंक्रीज होगा तो मैं क्या कॉफी खरीदूंगा कि चाय खरीदूंगा चाय चाय खरीदूंगा सिंपल है तो यहां पर क्या हो रहा है तो ये पहला वाला स्टेटमेंट इससे सही होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था अदर थिंग्स रिमेनिंग चेंज मार्केट डिमांड फॉर अ गुड गुड क्या है मेरे लिए चाय है चाय का डिमांड इंक्रीज हो रहा है मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज राइट तो इंक्रीज मतलब हो, तो yes. right? तो हो जा रहा है yes. वाला। और उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री अलग हो जाता है कार और पेट्रोल का मैंने एग्जांपल लिया था कि पेट्रोल का प्राइस हाँ. इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर मैं कार नहीं खरीदूंगा अभी हो सकता है आगे चलकर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तब तो मैं यहां पर खरीद सकता हूं लेकिन यहां लिखा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजे तो अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मेरा जो कार जो गुड है यहाँ पर क्या वो इंक्रीज होगा नहीं होगा तो इसीलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग अगर सेकंड वाले स्टेटमेंट में लिखा होता कि प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट डिक्रीजेस तो क्या होता है yes, तब yes, ये मेरा स्टेटमेंट सही हो जाता सही हो जाता है ना ओके सर ठीक है Yes, yes, yes. okay. I mean, yeah, I mean, रिलेटेड था, था, hmm. इससे पहले आपने जो पढ़या था उसने बताया फ्री गुड इज गुड विद जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्री तो फिर नहीं मैंने कहा कहां बोला फ्री गुड इज गुड विद जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने तो नहीं सर बोला। अगर आप स्लाइड को बैक कर सकते हैं तो जो गिफिन एंड वेबलिन गुड्स वाला स्लाइड था उसके पहले वाले स्लाइड में आपने बताया था अच्छा एक सेकंड रुको ये वाला यस yes, सर क्या लिखा हाँ, है इकोनॉमिक गुड इज अ गुड विथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाँ ठीक है

ठीक है तो क्वेश्चन okay. अलग गुड्स की बात कर रहा है यहां पर हम फ्री गुड्स जो सनलाइट है एयर है उसकी बात कर रहे हैं लेकिन यहां पर देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा है यहां पर अगर मैं वापस से क्वेश्चन पर आता हूं यहां पर लिखा है कमोडिटी एक कोई है जिसका कॉस्ट है अगर वो सरकार फ्री में दे रही है मैं यहां पर फ्री गुड की बात नहीं कर रहा हूं आया समझ okay. में okay. हाँ तो देर इज अ डिफरेंस उसको इससे मत मिक्स कर देना ठीक okay, है ठीक है ओके okay. हो गया ना ठीक है आई थिंक कि आज तो बहुत ही सिंपल बेसिक क्लास था एंड मेरा मेन मकसद यही था आप सभी को कि एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं इकोनॉमिक्स में यही होता है सबसे पहले इंटरेस्ट हम डेवलप करते हैं धीरे धीरे आप इतना एंजॉय करने लगते हैं कि कोई भी टॉपिक आता है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आई जस्ट होप गाइज कि इसी तरह से आप ये क्लासेज इन्जॉय करते रहेंगे और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा एंड कल मिलते हैं कल देखता हूँ मैं नेशनल इनकम थोड़ा सा फ्रेश माइंड से आना चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अ uh, मैं भी थोड़ा सा और स्पीड अप करूंगा धीरे-धीरे क्लास को कल स्पीड अप करने क्वेश्चन बहुत बड़ा है कल का चैप्टर ठीक है तो लेट्स मीट टुमारो गाइस सी यू देयर एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू थैंक यू बाय दोस्तों आज दिवाली सेल का आखिरी दिन है साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब स्टडी आईक्यू आपको यूपीएससी कोर्स सबसे कम दाम पर प्रोवाइड करता है तो आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है अगर आप इस कोर्स को अनरोल करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज द कोड अंकित लाइव ताकि सिर्फ 17,500 में ये जो पूरा फाउंडेशन बैच है जिसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाती है वो आप अवेल कर सकते हैं इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं नोट्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है प्रिलिंट सीरीज हो गया और साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी खरीदना है जैसे हिस्ट्री पी एस आई आर सोशियोलॉजी जोग्राफी ये सब भी लाइव ही पढ़ाया जाता है तो यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अवेल दीज ऑफर्स। विजिट आवर वेबसाइट एंड ऐप और वहां पर यूज द कोड अंकित लाइव ताकि बहुत कम दाम पर आज आप इस कोर्स को ले पाए थैंक यू। आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल